शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप इस बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार मत बनिए। अरे छोड़ ना यार, गलतफहमी हो गई थी। बापू, आपको शिका से ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी? ले जाए कचरा, निकल जाए यहाँ से। तेरी औकात नहीं है, समझा? शम्मा जले गुंचा गुंचा पले, सौ अफसानों में सौ पैमानों में सौ रंगों में ढले, सौ अफसानों में सौ पैमानों में सौ रंगों में ढले। मेरा तो चर्चा है यहाँ वहाँ, मेरा तो आशिक है सारा जहाँ। कौन कहता है कि दुनिया में सिर्फ जवान लोग ही शादी कर सकते? वेद पुराण बाइबल कुरान एवं अमर चित्र कथा में भी ये नहीं लिखा है। कानून ने भी शादी के लिए कम से कम उम्र तय की है, ज्यादा से ज्यादा पर कोई बंधन नहीं है कानून में। जिस उम्र में दांत और बाल दोनों साथ छोड़ दें, उस उम्र में किसी का हाथ हाथों में होना चाहिए। दुनिया के महान एक्टर चार्ली चैपलिन ने एक 17 साल की लड़की ओना से शादी की थी, तब उनकी उम्र थी 50 साल। मेरा जी जान से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार मत बनिए। इसी शुभ मुहूर्त में जल्दी से लड़की खोजिए और जल्दी से शादी कीजिए। ए लोहा लोखन रद्दी, काय को इतना चिल्ला रहा है? ये सब मुझे जबान नहीं याद है, ये मेरा राष्ट्रगीत है, समझे? वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे सुंदर सुशील और टिकाऊ लड़की दिखाओ। आइए आइए, कम 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 आइए। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, ये चलेगी? ये चलेगी? नहीं, इतनी कम उम्र की नहीं, खतरा है। खतरा?
अरे हो सकता है सालों पहले मैंने इसकी माँ को देखा हो, अब बेटी को देखने जाऊं। ओके ये चलेगी? नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। ओके ओके दूसरी देखते हैं। ये? अरे नहीं है ये। नो ये। नो ये। रुक। क्या बात है, ये अच्छा पीस है। ये कन्या कौन है? ये आर्ट्स कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाती है, 40 साल की कुंवारी लड़की है। आपको पसंद है तो ओके, दो दिन दो मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, दो दिन बहुत लंबे होते हैं। तू अभी के अभी इसकी फोटो छाप, कॉपी निकाल, मैं आज ही जाके इससे मिलता हूँ। आप जब जब भी किसी से बात करते हैं ऑलवेज मुसीबत में फंसते हैं मुझे बात करने। अरे अपनी काली जबान को लगाम दे, समझे? आज शहनाई बजेगी, शहनाई। चल फोटो छाप जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मिल गए राणे। कैसी है? अरे अप्सरा आओगे, लेकिन देखने मिलने का प्रोग्राम होगा तो मैं ही नहीं आने वाला हूं। देख इतना अड़ियल टट्टू मत बन, इस बार मेरा घर जरूर बसेगा। बस ये आखिरी बार बुला रहा हूं। तेरा हर बार आखिरी बार होता है, इस बार सचमुच आखिरी बार है। ला हाथ ला, हाथ ला। ए? आटे वाला चलेगा? अरे आटे की वजह से नहीं, ये आखिरी बार बोल के मेरे हाथ की कितनी बार कसम खाएगा तू? वो पता नहीं, लेकिन बस ये आखिरी बार है सचमुच। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। हैं? मैंने लड़की के बारे में सब पता कर लिया है। देख इस फोटो से लड़की का चेहरा मिलाऊंगा और देख उसे पहचानूंगा, पसंद करूंगा, और तू फटाक से रिश्ते की बात लगा देना। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, किधर है? हाँ? मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तू लड़की पसंद करता है तो तू ये बात क्यों नहीं करता है? देखो देखो बात सुनो मेरी, दूल्हा हमेशा सुशील, सद्गुणी और शर्मीला लगना चाहिए, और घर वालों से बात तो बड़े बुजुर्ग ही करते हैं ना। हैं? देख तू बिखरी हुई बूंदी एक बार समेट ले, उसके लड्डू मैं बना लूंगा, और कल का कर रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे उसकी। ओहो रजिस्टर्ड मैरिज? हाँ, क्यों किसी को बुलाओगे नहीं? हैं? अरे मेरा हाई कौन जिसे बुलाऊंगा? क्यों है ना, पहली वाली बीवी लंदन वाली। अरे बुलाया था ना उसको एक बार शादी में। किसकी? मेरी और उसकी। हे भगवान, मंगल कार्य होने जा रहा है, उस डायन का नाम क्यों लेते हो? तो तू नहीं जाएगा मेरे साथ? ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा शादी, मैं जा रहा हूं तेरे घर से मुंह काला करके। क्या खाक दोस्ती है। क्या हुआ, पैर में मोच आ गई? पैर में नहीं, दिल में। दिल में मोच आई तो कुर्सी कैसे गिरी? मैं तुझे लिए बगैर यहां से जाने वाला नहीं हूं। उतरो राणा जी, शुक्र है टाइम पे पहुंच गए। चीज़ का पैकेट देना। सब ठीक यहाँ? अरे कन्या इसी कॉलेज में तो पढ़ाती है, उसके आने का टाइम हो गया, बस आती होगी। यहाँ खड़े रहेंगे तो आते हुए दिखाई देगी। खड़े रहना यहाँ पे? अच्छा तू इधर खड़ा रहे, मैं देख के आता हूँ। अरे मैं अकेला यहाँ पे। ओ चाचा जी क्या चाहिए, ठंडा ठंडा कुलकुल या गर्मा गर्म पेश करूँ? अरे एनर्जी पी लो, बदन में सुरसुरी आ जाएगी। अरे सुरसुरी अंदर गई है ना, कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ा पूरा ठरके लग रहा है दोस्त। क्या चाचा पंछी देखने आए हो क्या? आंख वाँख सेकने तो नहीं आयो चाचा? पढ़ाई कर बेटे, पढ़ाई कर, समझा? पढ़ाई की बात कर रहा है बुढ़ा। पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम। तारामल सफा चट मत करना चाचा जी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ देना चाचा। ए, अरे सुन तूने कौन सा डिपार्टमेंट बोला था? इतिहास। तो कल सुबह जाकर सीधा डिपार्टमेंट में बात करते हैं ना। अरे कन्या पसंद आएगी तो ही बात करेंगे ना, नहीं तो खाम का मेहनत क्यों करें? लेकिन फोटोग्राफ तो है ना। अरे अरे फोटो से कुछ नहीं होता, फोटो से धोखा खा सकते हैं यार, काली गोरी नाटी लंबी, कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है। तू एक मिनट इधर हटना यार। वो देख टीचर्स का झुंड आ रहा है। अरे सब देख रहे हैं, इस तरह खाने पे टूट पड़ना अच्छा नहीं, तू मार खिलवाएगा यार। ओए तू छोड़ ना मुझे यार।
लो निकल गई। बेटियो बेटियो रास्ता दो, बेटियो एक मिनट, आंटी को देखना है, बेटियो बेटियो रास्ता दो। अरे एक हॉरिबल मैन ही है, घर में बेटी नहीं होगी क्या? राशि के हिसाब से शुक्र दशा चल रही है मेरी, कुंडली से यारी तो क्या करेगी फौजदारी। ओए कौन लुच्चा लफंगा सारा लड़कियों को छेड़ता है यहाँ पर है? ये दोनों बूढ़े, अबे पक्के बाल गुलाबी गाल है, धोती पहनकर तुम दोनों तीरथ घूमो, बेटी जैसी लड़कियों पर डोरे डालते हो। अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपको सच बताता हूँ। अबे तू क्या सच बोलेगा, सच मैं बुलवाऊंगी, चल थाने चल। नहीं चल, वो भाग रहा है। अबे ओए सूरदास की शर्ट वाले तेरी नाम बोल। राणे हैं? राणे। और मेरा नाम माथुर। एक हो चू, तेरा पूछा क्या मैंने हैं? ए सिर्फ राणे? नहीं जनार्दन विशंबर राणे। अबे थान के ठर्रे तू क्यों कूदा बीच में हैं? आपने मुझे मेरा नाम बोलने से मना किया तो मैंने इसका बता दिया, अब ये चाहे तो मेरा नाम बता सकता है। शान पर नहीं करता क्या कुर्रात साला? उतार ये सब, उतारो ये जानवर। तो लिख श्रीमान जनार्दन विशंबर राणे आज चिड़ीमारी करता पकड़ा गया, कौन कौन है घर में? ए हरामी साले क्या कर रहा है, हट बंद कर फटक बंद कर। आपने बोला ये सब उतारो। पैंट उतारने को बोला मैंने तुझे, गुलर के कीड़े पैंट उतारने को बोला मैं तुझे। क्या बोल रही थी मैं? घर में कौन कौन है? मुंह बंद। घर में कौन कौन है? दो बेटे। बीवी? गुजर गई। कब? 30 साल हो गए। लिख जानवर 30 साल से राणे रणवा है। विदुर जो भी लिख, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हवस का भूखा रंडवा चिड़ी मार बन गया। ये ट्रॉफी यहां कैसे आई? फौरन रख उसे, रख दे वापस। तेरी क्या कहानी है? मैं कुंवारा हूं। अबे बुड्ढे तेरी शादी नहीं हुई क्या? मैं क्या पूछ रही हूं, तेरी शादी नहीं हुई बुड्ढे? हुई थी एक बार। तो छिपकली के मूत फिर तो कुंवारा कैसे हुआ? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। वाह वाह बड़ा कद्दू पे तीर मार लिया तूने। बच्चे? टाइम ही कहाँ मिला, मंडप से ही ठेंगा दिखाकर भाग गई। चलो वो तो बची। बच गई साली, कहाँ है अब? अरे चुप रहे। लेख जो भी बलात्कार के केस हैं, जिनके मुजरिम लापता है इन दोनों पे थोप दो सालों पर। इन कुत्तों से कबूल कराना तो मेरी उंगली का मैल है, देख क्या रहे हो, सीधे खड़े रहो। आपके घर से और क्या क्या सामान चोरी हुआ है? गहने सारे चोरी हो गए। उस वक्त रात के कितने बजे थे? रात को 2 बजे। आप उस वक्त सो रहे थे? नमस्ते। यस एसीपी साहब हैं? दो लफंगों को तोड़ रही हैं। ओ नाम क्या है उनका? इंस्पेक्टर बीबी। और इन दो जालिम लफंगों ने 14 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ जोर जब कौन हो भाई? मैं बस दरअसल हैं? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? जी नहीं, मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। गौरव आप मेरा नाम कैसे पता? अरे मैं भवानी भागमार, तुम्हारी पुरानी टोली, पहचान नहीं रहे मुझे? कितनी पार्टियां मनाते थे हमारे छत पे। अरे विकी की बड़ी बहन यार। भवानी? अरे आप चपरासी के साथ भाग गई थी कॉलेज में, फैमिली ने वापस लाया था। अरे क्या यार ढिंढोरा मत पीट यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अबे चल चाय चुए वापस, कॉलेज में खड़ा रहे। कहा तो देख साले के बीच में बोलता है। भोली भाली लड़की जो चीटी से भी डरती थी आज जाबाज पुलिस ऑफिसर बन गई। अरे क्या बताऊं यार गौरव, हालात इंसान को पुलिस वाला तक बना देते हैं। लेकिन तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? कंप्लेंट लिखाने आया है? अरे तू खाली नाम बोल, हड्डियों का विसर्जन करा दूंगी मैं, बोल। नहीं नहीं दीदी कोई कंप्लेंट नहीं, मैं इनको छुड़ाने आया था। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता बोले तो ये मेरे बावर्ची लगते हैं।
ये छैल छबीला सुबह सुबह सब्जी लेने निकला था, मैंने सुना पुलिस ने पकड़ लिया तुम्हें यहाँ। और ये नंगा? नहीं जानता। क्या तू मुझे नहीं जानता? मतलब इतना जानता हूं कि घर का संडास साफ करने आता है। दीदी बावर्ची को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दो यार, अब FIR लिख चुकी है। दीदी भूखा मर जाऊंगा, आजकल लगे बाप मिल जाता है बावर्ची नहीं। चल ठीक है तू बावर्ची को ले जा, लेकिन इस अधनंगे को कोठरी में डाल दो। 100-200 उठक बैठक करा दो, उल्टा लटका दो, नीचे से लाल मिर्ची की थुनी दे दो, सस्ते में निपट जाएगा। चल निकल ले, लेकिन आइंदा कॉलेज के सामने नजर नहीं आना, समझे? राणे मुझे अकेला छोड़ के। ए, खड़े रहे। मैंने तुझे बोला क्या करने के लिए है? नहीं लेकिन जल्दी करूंगा तो जल्दी खत्म होगा, तो मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में घर जा सकता हूं। तू आया पुलिस की जीप में, जाएगा एम्बुलेंस में, समझे? तोंदू चल लगा रहे, शुरू कर। अच्छा हुआ उस वक्त खुद देवी सरस्वती मेरी जुबा पे आ बैठी और फटाक से मेरे मुंह से निकला कि बाप ने बावर्ची हो, वरना भवानी के सामने मेरी इज्जत का टायर पंक्चर हो जाता। लेकिन आप पे गला फाड़ने से क्या फायदा, गलती मेरी है। ये सोच के कि मेरा सिर्फ एक ही बाप है, कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से पाला पोसा मैंने आपको। कितनी बार कहा कि उस सारे फसाद की जड़ वो माथुर है, और मैंने कितनी बार बताया कि उस दोस्ती की सड़ी जड़ उखाड़ के फेंक दो। क्या हुआ जुबान पेट पे चली गई? बापू आपको पता नहीं तो मैं बताता हूं, अच्छी दोस्ती वो होती है जो लोगों को महान बनाती है। अब देखिए गांधी जी और नेहरू, फारा खान संजय लीला भंसाली, गांगुली का दोस्त है चैपल, सब एक दूसरे को महान बनाने में लगे हुए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप उन जैसे महान बनो, लेकिन आप तो दिन ब दिन लुढ़कते जा रहे हो। और मेरा क्या, अगर मैं भी एक दिन लुढ़कने लगू तो? कम से कम एक बात तो समझनी चाहिए बापू, उम्र के 26 साल गुजरने के बाद आप मुझे देखने लगे, लेकिन मैं पैदा हुआ तब से आपको देख रहा हूं, इसलिए मेरा तजुर्बा ज्यादा है। इसलिए कह रहा हूं मेरे बेटे बापू, बैठ 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 वही के वही बैठ। जब भी सलाह दे के सुधारने की कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ आड़े आता है। मैंने बोला बैठो वही के वही, डांट फटकार अभी पूरी नहीं हुई, बाकी आके सुनाता हूं मैं। अरे 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 अरे, अरे मधु अंकल सारा दिन दिखाई नहीं दिए। साउथ अफ्रीका गया था, ट्रेन मिली नहीं, ऑटो पकड़ के आ रहा हूं। अच्छा क्या हाल बनाया आपने, रिक्शा पलट गई क्या? चुप कर शैतान, ढंग से बाप की गाली भी नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा बाप मेरा जिगरी दोस्त है। जब बुलाओ उसे, मुझे कुछ बात करनी है उससे। नहीं मिल सकते उनसे, मैं उन्हें बुरी संगत से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या बोला? अरे जब हम लंदन में थे, तेरा बाप जनार्दन राणे क्या मस्त मौला आदमी था, तेरे पैदा होते ही बिगड़ गया। राणे एक कदम आगे बढ़ा ना, टांग तोड़ दूंगा मैं। बाप के साथ भी यही किया तूने? हाँ, बच्चा बाप को मारे डांटे चबाए खा जाए, सब बाप की भलाई के लिए होता है। और आइंदा ये दोस्ती का गुलदस्ता लेके अंदर आने की कोशिश की ना, तो भवानी को फोन करके अंदर करवा दूंगा मैं। आउट। राणे तेरा बेटा गया हाथ से। अभी अभी शान से कौन पधारे थे मालूम है? जिगरी दोस्त। जाइए जाइए उनके साथ, आज भवानी को जी भर के नाइट ड्यूटी देते हैं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, सर फोड़ूंगा तेरा। अरे अरे भैया आप ये क्या नाटक है? हाथ में बेलन लेके खड़े, सर पे पड़ेगा तब समझोगे क्या? नहीं नहीं मुझे लगा कि बापू से मिलने मधु अंकल फिर से आ गए। अरे गुड़िया कैसी हो, जाओ जाओ दादाजी के पास, जाओ जाओ जाओ। भाभी क्या आपकी आरती उतारनी पड़ेगी, अंदर आइए ना। गुड़िया अरे रूपाली आना ही पड़ा, लोगों की बातों से शर्म के मारे अपने ही घर में मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। क्या हुआ? घर से निकल तक तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे,
अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो, बोलो ना। पूछता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, वो आर्ट्स कॉलेज में आज मतलब मैंने नहीं देखा, इसने देखा। इसकी कार, आपकी कार, पुलिस की जीप, पुलिस ने कॉलर पकड़ी और हाई कोर्ट से पापा के सेक्रेटरी का फोन आया था और फिर सुरेश चाचा जी, बड़े मामा जी मेयर ऑफिस से सीधे घर चले आए। बस भाभी बस, आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ कुर्सी उबाते हमें पता है। जो देखा बिल्कुल सही देखा लेकिन समझा गलत। पुलिस बापू को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, लिफ्ट दे रही थी। कॉलर पकड़कर, घसीट कर? कॉलर कहाँ पकड़ा था, अरे वो तो गले लगा रही थी। अपना नया एसीपी पता है कौन है? कौन? भवानी भागमार, अपना मामा दांगला बेटा बेटी। हाँ, वो मामा, मोहम्मद अंगे की बेटी भवानी। ये मत सोचो कि मैं बेवकूफ हूं, तुम बाप बेटे किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। आना है तो आ जाना, मैं जा रही हूं। भैया प्लीज, वो माथुर अंकल को ज्यादा हवा मत देना, वो बार बार बापू को मुसीबत में डालता है। मैं जा रही हूं, तुम ऑटो पकड़कर आ जाना। जा जा। वो मन्नू आया आज काम पे? आया ना सर। बुलाओ। एक मिनट। मन्नू, मन्नू, कहाँ गायब था तू कल? वो मेरी नानी चल बसी। पिछले सोमवार भी तेरी नानी चल बसी? क्या करूं, नाना ने तीन तीन तो शादियां की थी। तो तीसरी कब मरने वाली है? अगले सोमवार को। देखो पांचवी कक्षा तक हम साथ में थे, उसका लिहाज करके मैं तेरे को झेल रहा हूं। अगली बार तेरी नानी चल बसी ना तो तू यहां से सीधा बाहर, समझे? स्टॉक बुक लेके आओ। एक्सक्यूज मी। यस मैम। खाने पीने की चीजें, जूस वूस कहाँ रखे हैं? वो उस तरफ मैम। फोन करो तो घर पहुंचा सकते हो। ओह यस मैम। या ये रहा हमारा कार। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, आपके लिए। कौन है? कोई लड़की है। पूछो कौन है। ओके, आप कौन? मैं कौन हूँ? ओह, ये जानने के बाद ही फोन दोगे? तो फिर ठीक है, मैं उनकी पुरानी क्लासमेट हूँ। बोल रही है आपकी पुरानी क्लासमेट है? हेलो। ये क्या गौरव, तुमसे फोन पर बात करना इतना मुश्किल है? सॉरी, मैं पहचाना नहीं तुम। अच्छा, तो तुम मेरी आवाज भी भूल गए? नहीं, आवाज भूलने की बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था। ओके, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगी क्योंकि तुम बहुत बिजी हो ना। लेकिन एक क्लू देती हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार तुम्हें किसने लव लेटर दिया था? शिवानी। अरे शादी के इतने साल बाद आज फुर्सत मिली है मुझे फोन करने की। हाँ, कैसी हो तुम? बच्चे कितने हो गए? अरे अरे, लेकिन अगर मैं शिवानी हुई नहीं तो? तो कौन हो? मैं रोज हूँ। रोज? कौन रोज? भूल गए ना तुम? सब भूल गए ना? मैं समझती थी इतने सालों बाद मेरी आवाज सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगे, लेकिन नहीं। देखिए मैडम, आप गलती से मुझे कोई और समझ रहे हैं। रोज नाम की कोई लड़की मेरे साथ नहीं पढ़ती थी, और अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो बाद में भी फोन मत करना। थैंक यू। बिल्ली हज को क्या गई, चूहों को ही भूल गए। तू मुंह मत खोल, पांचवी कक्षा में स्कूल छोड़ के भाग गया था, लेकिन जब नौकरी मांगने आया तो तुझे पहचान लिया ना मैंने। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कैसे बोल सकता हूँ? नहीं नहीं, कॉलेज में गिल्ली डंडा खेला होगा, अब रणछोड़ दास बन रहे हो। चल चल, जा जा, अपना काम कर। ओके ओके। सुपर्ब शॉट, दिस इज ट्रेमेंडस बैटिंग ऑलरेडी। हेलो हेलो, सिक्स टू स्टार्ट ऑफ। हेलो, एक मिनट वॉल्यूम कम करता हूँ, एक मिनट। हेलो हेलो, गौरव है? वो नारा है। ओ नारा है, बुला दो ना। नारा तो कैसे बुलाऊं, सब गीला हो जाएगा ना। ओ सॉरी, तुम कौन, घर के नौकर? जी मैं नौकर भी हूँ और बाप भी हूँ। आपको किसके साथ बात करनी है? मैं टू इन वन हूँ, बताइए।
किसी से भी नहीं, बात तो सिर्फ गौरव से करनी थी। तो तुमने नाम क्या बताया अपना? रोज। रोज? उसने तो मुझे किसी भी रोज के बारे में किसी रोज नहीं बताया। मालूम है, और यूं ही कैसे बता सकता है? क्योंकि मैं सिर्फ एक क्लासमेट नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ और भी है। और हमने तय किया था कि सारी तैयारियां होने के बाद ही वो आपको खुशखबरी देगा। क्या बताएगा, कैसी तैयारियां? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे मुंह से फिसल गया। आप प्लीज गौरव को मत बताना कि आपको सब पता चला। मैं बाद में फोन करती हूँ। स्कोर क्या है? एक। क्या? एक लड़की का फोन था, रोज नाम की। उसने यहां भी फोन किया? कोई नंबर छोड़ा? लेकिन कहा दोबारा फोन करेगी। हे भगवान, खुद को मेरी क्लासमेट बता रही थी ना। सर फिर ये बापू को ऐसी लड़की मेरे साथ पढ़ती नहीं थी। आप तो मेरे सारे क्लासमेट्स को जानते हैं। मैं भी अब तक मानता था। बापू, आवाज तो बड़ी मीठी थी, दिखने में कैसी है? आपको लगता है मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूं? कोई घन चक्कर मेरे पीछे पड़ी हुई है। ऑफिस में भी फोन किया था उसने। ओ, तेरा कहने का मतलब है कि तू रोज नाम की लड़की को कभी नहीं जानता है, हैं? कितनी बार मैंने कहा आपको बापू, मानना है तो मानो, नहीं तो जाओ। रोज रोज मेरी गलियां ना है बुरा है, रोज रोज मेरी गलियां। ये गाने को अब भी गाने की क्या जरूरत है? मुड़े मेरा बापू तेरा ले। सब समझ रहा हूं मैं बापू, मां कसम ऐसी कोई लड़की थी नहीं मेरे साथ। दोबारा फोन आने दो, फोड़ दूंगा मैं। गुलाबी आंखें, अब बस, जो तेरी। मुंह बंद अभी के अभी। गुलाब का गाना गा रहा हूं, रोज का नहीं गा रहा हूं यार। मतलब तो सेम है ना, अब रोज गुलाब चंपा चमेली कुछ भी सुनाई दिया ना। इसे कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे मेरा घर है, मैं गाना भी नहीं गा सकता। कांटों से खींच के, कांटा है गुलाब नहीं है, कांटा है। तेरी शादी और मेरी बर्बादी, मैं तेरे साथ हूं ही नहीं। देख, इस बार तेरे रहमो करम से मेरी शादी हो गई तो मैं आगे कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। अरे मेरा वो छोटा बाप देख लेगा तो यहाँ भूचाल आ जाएगा, समझा तू? देख देख, एक जिगरी दोस्त दूसरे जिगरी दोस्त को ऐसे दुत्कारता है क्या? बस बस बस, समझा? तू वहां जाकर बैठ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। देख बात सुन, देर मत करना, जल्दी आना। देख तो सही, बहुत बढ़िया है, तू हमारी जोड़ी खूब जमेगी। इस झांकी का आंखों देखा हाल गौरव को जरूर सुनाऊंगा। उस दिन मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा अल्लू। गौरव तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो, मैं रोज बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी कोई रोज नाम की क्लास में न थी, न है, न रहेगी। कितनी बार कह चुका तुम्हें, और तुम्हें मेरे बापू को क्या उल्टा सीधा पता? ओ सॉरी, बहुत डांट पड़ी क्या? अरे झूठी चालबाज, असली मर्द हो, मेरा मतलब असली औरत हो तो सामने आओ, एक खींच के दूंगा मैं। क्या बात है, बड़े उतावले हो रहे हो मुझसे मिलने के लिए। हाँ हूँ, लेकिन तेरे बाप से मिलने के लिए। वंच आगे चलाने के जुर्म में केस ठोकना है मुझे। गौरव तुमने डिलीवरी चालान में साइन नहीं किया। हाँ नहीं किया तो तेरे बाप का क्या जाता है? गौरव यहाँ इधर साइन। हेलो हेलो, इतने खामोश क्यों? कुछ तो बोलो ना। अरे भटकते पागल खाने, तेरे पागलपन को झेलने के अलावा मेरे पास और भी काम है। मिलना है मुझसे? तो अब तक क्या मैं तमिल में बात कर रहा था? तो मैं जहां बुलाऊं वहां आना पड़ेगा।
अरे चल चल, तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे सामने आकर बात करने में, लेकिन थोड़ी शर्म आ रही है ना, ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए। इतना क्यों सोच रहे हो, मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। गांधीनगर के नाना नानी पार्क में मिलेंगे बराबर 11 बजे। अरे तू जहाँ बोले उस नर्क में आऊंगा भैंस की बच्ची। लेकिन कमीनी, तेरे को पहचानूंगा कैसे? मैंने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, और प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना, तुम्हें आना ही पड़ेगा। बाय। देखो डोंट वरी, मैं सारी अरेंजमेंट्स रोज लेकिन रोज रोज लुक एट हिम, हु इज दिस? क्या तुम रोज हो? ये क्या छेड़ने का नया तरीका है? स्टुपिड, ये पकड़। रोज What? वहाँ पे हैं बहुत सारे, लेकिन बगीचे में फूल तोड़ना मना है। क्या? हाँ, गुलाबों के बारे में पूछ रहे थे ना तुम। नहीं नहीं मैं अपनी क्लासमेट रोज को ढूंढ रहा हूँ। और क्लासमेट का चेहरा याद नहीं है? ये तरकीब किसी और पर चलाना, बहुत देखे तुम जैसे। नहीं नहीं सॉरी मैडम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखो जल्दी भागो यहाँ से, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, शक्ल बिगड़ सकती है। ए, इधर आओ। तुमने बुलाया मुझे? हाँ देखा मैंने, इसलिए तो बुलाया। क्या चाहिए तुम्हें? ये सब पैसे के लिए कर रहे हो ना तुम? हाँ, तुम कितना दोगे? एक पैसा नहीं। ये तो मुमकिन नहीं है ना, चाहिए तो कुछ कम ज्यादा कर सकती हूँ, पर कुछ तो देना पड़ेगा ना। मेरे बापू के साथ क्या पेश लड़ा है तुमने, बहुत सताया उनको। तो वो कल वाले अंकल तुम्हारे बापू थे, पर आदमी कला का कदरदान था, 5,000 रुपए दे गया। चलो, अरे अरे चलो चलो, एक ऐसा होटल है जहाँ पे पुलिस की झंझट ही नहीं है। तो तुम रोज? रोज आ जाऊंगी, बस तुम जगह बता दो। अरे अरे कहाँ जाते हो? अरे सुनो, होटल का बिल मेरा। अरे अरे रुको, अरे खाने पीने का भी मैं दे दूंगी। बजे बोला था जल्दी चला। अब ये लड़के ने बगीचे में क्यों बुलाया? और क्या, शमशान में बुलाएगी? तू चल मेरे साथ बस। देख तूने हमेशा मेरी कीमत अठन्नी कम आंकी है, आज मैं दिखाऊंगा मेरी मार्केट वैल्यू। सुना है आजकल छोटी छोटी लड़कियों को हम जैसे बड़े लोग पसंद हैं, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। तुझे यकीन है, है? कहीं वो बाप तो नहीं ढूंढ रही है? अरे लेकिन बाप पे फूल क्यों फेंकेगी? कहाँ वो जालिम, बगीचे में बोला था लेकिन बगीचे में कहाँ? कोई पेड़ नंबर नहीं बताया था? नहीं ना, ये बगीचे इतने बड़े क्यों होते हैं? एक फूल एक फवारा बात खत्म, इतने तामझाम की क्या जरूरत? मिल गई भैया। ए इधर आओ। यस मैडम।
ये वही बावला बावर्ची है क्या? हाँ मैडम वही है। ओह सरे बाजार बिन बादल बरसात, वो भी औरतों के सामने, पकड़ो साले को। जी मैडम। दूसरा साला हरामी भी यही गई होगा। चुप कर। रुक बुड्ढे ठरकी, रुक। कभी रोबियो, अबे खड़े खड़े। ए चल चल आगे देख, मेरी बात तो सुनो। चल बैठ जा। अरे मैंने किया क्या है? अभी बताते तुमने क्या किया। अरे उतर ना, अरे उतर जाओ, ये कोई हाथी का अंबारी नहीं कि शान से बैठे रहो। चल। मैं जानबूझकर मॉल से गया था ये देखने कि मेरे गुल होते ही आप क्या गुल खिलाते हैं। ये मेरे बाप दादा के अच्छे कर्म थे कि मुझे कुछ सूझा और पाक तक मैंने आपका पीछा किया, वरना आज एक बाप के हाथों बेटे के संस्कारों की नाक कट जाती। चलो अभी खड़े रहो अंदर। क्या? खोल दरवाजा खोल। क्यों? थाने जाना है? अपने दोस्त के साथ पट्टे की चड्डी में उठक बैठक लगानी है? माँ ने पलक झपकी और बिल्ली ने तोड़ी मटकी। पर मटकी से याद आया, घर में दूध दही मटर पनीर कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तू शाम को खाएगा क्या? अरे इतना बड़ा मुर्गा पिंजरे में बंद है, उसको फ्राई करके खा लूंगा मैं। दरवाजा खोल। आवाज बंद। तो चला जाए यहाँ से, शाम को घर पे आएगा ना तो मैं नहीं मिलूंगा, भाग जाऊंगा पिछले दरवाजे से, ढूंढते रहना। हेलो। हेलो गौरव है? नहीं है। कौन? ओ आप भूल गए, मैं रोज हूँ, उसकी क्लासमेट। देखो गुलाबजल, उसने मुझे साफ साफ बताया कि जब वो किताब पढ़ने बाल मंदिर जाता था ना, तब भी उसकी रोज नाम की कोई दोस्त नहीं थी। ओके तो आपने भी मेरे जैसी इसकी भोली सूरत पे भरोसा रख दिया। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए, इंजीनियरिंग पूरी होते ही हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, बोला पापू से इजाजत लेके शादी करते हैं, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही उसने हमारा रिश्ता भी खत्म कर दिया। नाता ना पता कितना ढूंढा दो तीन सालों से, लेकिन कभी नहीं मिला। सुन तू लड़की है ये समझ के तू बोलती गई और मैं सहता गया, लेकिन अभी एक भी लफ्ज अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो। अरे ओ कहां मर गई है, उठा ले बच्चा रो रहा है, इसके रो का टाइम हो गया है। अरे तो उसे यहाँ ले आओ ना, दादाजी से बात करानी है। ए, कौन दादाजी? किसका दादाजी? आप दादाजी, और मैं आपकी बेटी की माँ। आप ही का खून है। अरे हो ही नहीं सकता, ये मेरा खून है, कोई दूध की थैली नहीं है कि कहीं से भी मिल जाए। 3 साल का है मेरा जनार्दन। जनार्दन? कौन जनार्दन? आप ही की बेटी की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे का नाम मेरे बाप से ही होगा। आप जनार्दन रानी ही है ना? देख सुने, मैं रख देता हूँ फोन, और तुम्हारे जैसे टेलीफोन के भूतों से मैं नहीं डरता हूँ। ओके तो सबूत भेजती हूँ, कल कुरिया मिलेगा देख लेना। कुरियर? मैं कल आपके बेटे से मिली थी शादी के लिए, जोर देने पैर पकड़ने लगा मेरा, बोला पैसा ले लो प्रॉपर्टी ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। कब से देख रही हो तुम दोनों को, क्या पक रहा है? खानसामा ये है, अपना कुछ नहीं है, मिर्ची काटना मसाला भरना सब कुछ यही कर रही है। यू चीट, तो तुझे डकार भरने के लिए रखा है। टीचर मुझे आपको छोड़कर यूएस जाना पड़ा, बोलो किसकी वजह से? अचानक वो क्यों याद आया? क्योंकि कल मैंने उसे देखा, लकीली उसने मुझे नहीं देखा, अब ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। छोड़ो ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती हो, ऐसे लोगों के मुंह लगना मतलब कोयले से कुश्ती करना। वैसे देखा जाए तो उसकी वजह से तुम्हारा बुरा नहीं हुआ, यूएस जाके तुम अपने मम्मी पापा के पास रही, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ अच्छा ही तो हुआ है। देखो मेरा भी यही कहना है,
चुप कर चमची, अंदर जा और अपने होने वाले करोड़पति को रोडपति बनाने का प्लान बना। मालूम है एक तरह का एहसान ही है उसका मुझ पे। फिर भी एक बार, बस एक बार मैं उसे खुद के बाल नोचते हुए देखना चाहती हूँ, वरना लाइफ में एक चींटी हमेशा काटती रहेगी कि मैंने हार मान ली। शिखा प्लीज 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 ना मत कहना, आपने ना कहा तो मेरे हाथ पैर गल जाएंगे। बस एक बार मुझे करने दो प्लीज प्लीज। रुक रुक, एक बात सच सच बता मुझे, मेरी जानकारी के बाहर तुझे कोई बच्चा है? क्या बोला? बच्चा बच्चा, तू खा गीता की सौगंध? अब तक तो रोज थी, ये गीता कहां से आ गई? गीता ये गीता, इस पे हाथ रख के बोल कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। ओ, 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 ये कोई कोर्ट नहीं है। जो समझना है समझ, तू मुझे बता तुझे कोई बच्चा है? जनार्दन नाम का कोई बच्चा है तुझे? ये नया पैंतरा उस चुड़ैल ने फेंका है क्या? मेरे सवाल पे सवाल मत कर गौरव, मुझे जवाब दे इसका। तो जब वो बक रही थी उसकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ी? मेरे ही सर पे हथौड़ा क्यों ठोक रहे हो? मैंने पूछा उसे गौरव, तो उसने मुझे बताया कि तूने उसे धोखे से बचा दिया है। और शक मुझे तब हुआ जब मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, बिल्कुल तेरे जैसी थी। जब तू छोटा था तब कैसे रोता था वैसी? अब बता सच है कि नहीं है? मेरी कुंडली देखी है कभी? हाँ, क्या उसमें लिखा है कि मैं किसी लड़की का खून करने वाला हूं? नहीं। अब देखना, मैं कुंडली बदलने वाला हूं, जहर देके उसे आपके कदमों पे फेंकूंगा, और दम तोड़ने से पहले अगर उसने सच नहीं बोला तो मेरी नाक काट लेना। तुमने बंदर के पूंछ में आग लगने वाली कहानी सुनी है? हाँ। थोड़ा मूड होगी तो देख पाओगे। पापू कोई कुरिया आया था? किसने बताया तुझे? उसी भटकती आत्मा ने। कल पार्क क्यों गया था तू? तेरा बाप और माथुर कहां रास्ता भटक गए ये देखने? और उस दिन कौन से रंग की कमीज पहनी थी तूने? सफेद। हाँ, वो तो तेरे चेहरे का रंग है अभी, कमीज काली थी तेरे करतूत जैसी। ओहो, रंगों की होली बाद में खेलना, पहले कुरिया दो। तो तू रोज को नहीं जानता है? नहीं नहीं, तूने शादी का वचन भी नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। उसके बच्चे का बाप भी नहीं? कुरियर आया कि नहीं? बेटे अगर झूठ बोलना है ना तो खरगोश जैसा झूठ बोलने का, मासूम और हाथ में नहीं आने वाला, जैसे मैं बोलता हूँ। ये कौचुगिरी नहीं करने का कि मुर्गी चुराई कसाई से और खबर फैलाई डकार से। देख ये क्या? ये तो अपने पति का इंतजार कर रही थी। चुप, साले गीता की कसम खाई थी तूने? नाक कटाने वाला था ना अपनी, कहा है छोरी कहा है? अरे मैं मर गया था? अरे मुझे बताता मैं संभाल लेता। ये क्या है, ये क्या है? उसके चरणों में लिपट गया है तू? बापू मैं गिर गया था। बहुत बहुत गिर गया तू बेटे। बाप नठारा निखट्टू और तू दूध से धुला हुआ? बापू मैं बता रहा हूँ, ये फोटो जो है झूठी है, कंप्यूटर में बनाई होगी। हैं साला तेरी जबानी की जापनी पंखा है, हिलाते ही जा रहा है। उठाओ, उससे कहा था दोबारा फोन करेगी। हेलो। हाय गौरव, मैं हूँ। बेबी फूड बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अरे तो जहर खिला दो कमीनी, सिग्नल पे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ये तुम सब अकेली नहीं कर सकती, तुम्हारी टीम है। बता कौन है तेरे पीछे, बोल। ये क्या हो गया आपको? अरे ढक्कन खुल गया मेरा अभी, बता तेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरे पीछे कौन है ये बता अभी। गौरव मेरे पीछे मन्नू है। तो साला कुत्ता। मन्नू, मन्नू। हाँ क्या हुआ? मार डालूंगा साले, तू मरेगा।
मार डालूंगा तुझे खराब खोर, मेरे ही कंधे पे बैठ के मेरा ही काट काटता है। अरे रुक, अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? आओ गौरव। अरे सच सच बताओ, ये रोज कौन है? कौन रोज नहीं बताएगा? कहाँ से लाया? सड़क की भिखारे से सड़े थोड़ा पड़ा है तुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है तू? झूठ साला, उसने खुद बताया, उसके पीछे तू है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सच बोल, बताया मुझे। वो मैंने बताया था आपको। तुम्हें कैसे पता? एक ही गैंग के हो क्या दोनों? मैं मेरा क्या? आप ही जोर दे दे के पूछ रहे थे तेरे पीछे कौन है, तेरे पीछे कौन है। क्या घर पे फोन तुमने किया था? हाँ फोन मैंने किया था बेबी फूड के लिए, और आप तो बस बरस पड़े। और हाँ, आप रोज की बात कर रहे हो ना, उसने एक खत भेजा है आपके लिए, वहां पर रखा है। मर मर कहाँ है? जवाब चाहिए ना, अभी देता हूं। मनु को कैबिन में भेजना। आजा रे आजा आजा, चल माफ कर दो। पहले कुत्ते की मौत मारो, फिर चंदन में घी डाल के जलाओ। अरे छोड़ ना यार, गलत फहमी हो गई थी, ऐसा होता है यार दोस्ती यारी में। चल दो चार गाली दे। क्यों, किसे? बोलना यार, कुछ काम है अभी। हाँ, और इतनी गंदी गंदी गालियां कि सुनने वाला उल्टी करता रहे। कान ला इसके। उड़े अंदर अंदर करते बहन का पीछे। नहीं है? नहीं, तुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है? हर गाली एक ही स्टैंडर्ड की होती है। अभी तुझे एक और काम करना होगा मेरे लिए। ये जो खत मैं लिखने वाला हूं, तुझे उसे इस एड्रेस पे पहुंचाना होगा, और वहां से जवाब चाहिए मुझे। थोड़ी देर रुकने के लिए बोलेंगे ना, तो रुको, लेकिन जवाब चाहिए मुझे। हाँ ठीक है। अरे ये तो शॉप की छोटी लमलक की गोली है। पता, हाँ यही। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? नमस्कार। हाँ जी। चिट्ठी है आपके लिए। लगता है गौरव ने भेजा है। जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए, इसके बगैर मैं पैर नहीं हिलाऊंगा। दो मिनट रुकिए, हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? हेलो पुलिस स्टेशन। क्या खूब है ना मदारियां डमरू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। अब तू देख कैसे मैं उसे चने खिलाती हूँ। नाम क्या है? कौन है बे अकल का पुतला, काट का उल्लू, जबान का कीड़ा है? नमस्ते साहब। जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्र लिखता है, वो भी शरीफ औरतों को? यही यही है वो बदमाश, और ये रही चिट्ठी। मैं इश साले चींटी के चचेरे भाई, औकात भूल गया, ऊंट की गर्दन खुजाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दू ये। पकड़ो पकड़ो बोने को। बाप रे बाप,
लगता है पानी नाक तक चढ़ा है। हाँ तो आने देना, देखते हैं डमरू की जान कब निकलती है। चलो चलो। हेलो गौरव। हाँ? मैं भवानी भागमार पुलिस थाने से। अब क्या हुआ? फौरन चले आओ अभी के अभी। कोई प्रॉब्लम है? अरे बोला ना अभी के अभी बस। ये टपका तो समझ तू भी टपका, यहां से तेरी लाश जाएगी लाश, समझा क्या? तू ये यहां कैसे आया? ओ तो तुम इसे जानते हो? नहीं मेरा मतलब हाँ, ये मेरे शॉपिंग मॉल में काम करता है। हुआ क्या दीदी? हुआ क्या, तुझे पता है इस लिच्चन ने कितना घिनौना काम किया है? शरीफ घर की औरतों को गंदी गंदी गालियों भरी चिट्ठी दी है इसने, कामजार कमीना। अबे झुका रहे, हिलना नहीं। अच्छा, और इतनी मोटी मोटी गंदी गालियां के बोलने में पुलिस तक शर्मा जाए, और जब मैंने पूछा तो कुत्ता बोलता है चिट्ठी बॉस ने दी थी। हाँ? हाँ? मैंने कब? तुमने गटर बंद कर, चुप चुप, गद्दे के कपास की तरह धूंध दूं तुझे यहीं पर। दीदी दीदी एक मिनट खड़े रहा वहीं पर। एक सच बात बोलूं, असल में इसको एक बीमारी है। तो जन्म घुट्टी पिला दूं, दो घूंट मुंह के अंदर और जान पीछे के नीचे से बाहर। इधर एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तेरा पड़ोसी, तेरा बावर्ची, तेरा नौकर सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या है? नहीं दरअसल इसकी माँ पड़ोसी के साथ भाग गई थी, तब से इसका ये हाल है। मेरी तेरी माँ की बात ना करे वरना जबान खींचकर बाहर फेंक दूंगी। हाँ। दीदी प्लीज, ये बेचारा कुछ समय तक पागलखाने में था, हम स्कूल में साथ थे इसलिए काम पे रख दिया, वरना आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं। हिले, अगर मैंने सुना ना कि तूने औरत क्या औरत के पुतले की तरफ भी आंख उठाकर देखा है ना, तो मैं तेरी आंखों में सुलाखें घुसा दूंगी। निकल ले। अरे बेवकूफ, मेरी इज्जत का फलूदा बनाया तूने। मैंने, तुमने जो खत के ऊपर पता लिखा था ठीक वही जगह पे गया था मैं। और खत के ऊपर मैंने फुटबॉल जैसे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा था रोज। अरे खत देने से पहले पूछना तो चाहिए था कि वो रोज है या कोई चमेली। नहीं, अरे तू जैसे बेवकूफ को भेजने के लिए मेरे मुंह पे चप्पल मारती थी। May I come in? Yes, please. अरे जाना, get out. Hi, Gaurav. उसका चेहरा पहचान सकते हो जिसकी आवाज फोन पर नहीं पहचान पाए? देखो देखो, गौर से देखो, याद आया? कुछ सालों पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के नाम पर तुमने किसी लड़की के बाल काट दिए थे, याद आया कुछ? शिखा। ओह, मतलब मेरा नाम नहीं भूले तुम? कैसे भूल सकता हूँ, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। शिखा कपूर, राइट? प्लीज सिट, प्लीज। तब तुम मुझसे मिलते ना तो टुकड़े टुकड़े कर देती थी मैं तुम्हारे, इतना गुस्सा इतनी नफरत थी मुझे तुमसे। उस हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक छोटा सा प्यारा सा बदला, लेकिन ये दहीहंडी किसी और के सर पे फूटेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ज्यादा तंग तो नहीं किया ना मैंने? जरा भी नहीं, अरे मैं तो शैतान था, शैतान, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं। वेरी गुड, तो पिछली बातों की गुब्बारे हवा में उड़ा देते हैं और आज से हम सिर्फ दोस्त है, दोस्त। डन। इसमें हंसने की क्या बात है? इस बड़े बाप का छोटा बाप बन के डॉनगिरी करता फिरता था ना, तो एक छोटी हरी मिर्ची जैसी लड़की ने वाट लगा दिए थे, सजा है, ये तेरे पापों की सजा मिली है बस। क्या मतलब? बेटे मेरी नाक में बहुत दम किया था ना तूने, उस लड़की ने तेरी नाक में लगाम घुसड़ के खींच दी। आपने कभी सुना ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, औरत ने कुछ करने की एक बार ठान ली ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते, आपको भी तो उल्लू बनाया उसने। लेकिन मैं कहाँ बना, हा? मैंने कहाँ उसकी बात पे भरोसा किया? बेवकूफ बना तू बेटे, तू तू तू, अरे ऐसे भागा जैसे लगे हो पूंछ में पटाखे। तू कहते मैंने तेरी नाक काटी, नहीं तूने खुद अपने हाथों से अपनी नाक काटी, भुगतो। बापू आप समझे नहीं, उसने साफ कह दिया कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, उसके दिल में मेरे लिए कोई शिकायत ही नहीं, इतनी अच्छी तरह से पेश आई मेरे साथ, पता है?
तो वो उसका गुण है बेटे, तेरा करिश्मा नहीं है। हा? किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। सीखो उससे जाकर कुछ सीखो। साला बाप के सर को धोनी के बैट से धोता है, उसके जिगरी दोस्त को उड़ 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 करके भगाता है। इसका और उसका कोई मेल नहीं है। उस मांझे साहब मेरी पतंग नहीं काट सकते। वो जो भी कुछ हो, मुझे मुझे बस वो लड़की को मिलना है। उसको मिलना है, उसको शाबाशी देनी है। वो बकरा सीमा। यस गौरव। ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें रामू के शोरूम पे ले जाना है। मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। लंच का क्या प्रोग्राम है? शॉपिंग के बाद मिलके चलते हैं। लंच तो मैं रोज अपने बापू के साथ करता हूँ घर पे। बापू बापू बापू, घर में सिर्फ बापू ही है क्या? अरे बहुत लोग हैं, माँ है, दीदी है, छोटी बहना है, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, लेकिन इन सबको कुल मिला के एक ही आदमी, मेरे बापू। मुझे तुम्हारे बापू से मिलना है, माफी मांगने के लिए। बहुत परेशान किया था ना। अरे वो तो इतने खुश हो जाएंगे, तुमसे ज्यादा वो मिलना चाह रहे हैं। एक दिन जरूर आऊंगी। ओके सी या, बाय। वाह क्या हुलिया है, घर आए मेहमान के स्वागत के लिए एकदम सही है। तेरे जैसे मेहमान के लिए तो एक लंगोटी लटकी हो ना तो भी बहुत है। छे लड़की के सामने कैसी बेहुदा बातें करते। तू कब से लड़की होगा? इनका हालचाल देख के पता चला ये नमूना कौन है? हा? और आपने पहचाना ऐसे? मैं तेरे जैसा उल्लू नहीं हूँ कि पहचानू नहीं। आओ बेटे, आओ, 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 आओ। अरे नहीं नहीं, गौरव को उल्लू बनाने के चक्कर में आपको भी क्या अनाप शलाम बोला मैंने। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं, इस गोबर गणेश के लिए और कोई नाटक करना होता मैं तो भी मैं इंतजाम कर दूँ। हाँ, वो कर लेना, लेकिन अंदर को जल रहा है। अरे बाप रे, मेरा दूध, मैं आया एक मिनट। गौरव बापू को ऐसे क्यों डराते हो? कोई काम वाले क्यों नहीं रखते? ये सवाल आप उन्हीं से पूछना, इतना सा था तब से मालिश वाली काम वाली यही है। बैठो, बेटे के पेट में जो भी जाएगा उन्हीं के हाथों होना चाहिए, ऐसा कानून है उनका। उन्हें लगता है कि मैं अभी भी बच्चा हूं। फिर भी ये कुछ ज्यादा ही है। तुम्हारी माँ जब मैं पैदा हुआ था तो बापू ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बहुत जिद की घर वालों ने, लेकिन सौतेली माँ का डर था बापू को। जो भी हो, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसे बापू मिले। और बापू लकी नहीं है कि उन्हें मेरे जैसा बेटा मिला। यहाँ लड़की की आवाज कैसे है राणे? लड़की ही है लेकिन आपके लायक नहीं है, दांत गिरे हुए हैं, बाल सफेद है। हेलो अंकल। आप एक दूसरे को जानते हो? अंकल जरा बताइए ना इसे हमारे चक्कर के बारे में। भाग। अरे कहाँ चल दिए? अरे रुके ना, ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गया था, अच्छा ही हुआ। अरे माथुर आया था, मैंने आवाज सुनी उसकी। आया भी गया भी क्यों पता नहीं, मुझे देखा इसलिए। क्यों? उस दिन पार्क में गुलाब का फूल लेके। तो उसको भी तूने ही जन्म गुटी पिलाई थी। स्मार्ट गर्ल, अच्छा किया तूने, बूढ़ी घोड़ी लाल लगम को ऐसा ही सबक सिखाया जाता है। लेकिन वो यहाँ आए थे क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं, उस ठरकी अंकल का लंगोटिया यार है ये आदमी जो आपके बाजू में बैठा है। क्या अंकल छी, ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हो क्या? अब पता चला ना मेरे बापू का स्टैंडर्ड क्या है। ए चुप कर, ऐसी बात नहीं है बेटी। क्या है कि उस बेचारे की बीवी शादी के मंडप से उठ के भाग गई, तो उसका भी दिल करता है कि कोई अपना हो उससे शादी करे, तो कोई भी लड़की हंसती है तो फिसल जाता है। बिस्किट बिस्किट खा। बापू सीट बेल्ट। और कहाँ रुकी हो बेटी? बंगलो नंबर 16, रोड नंबर। वो ठीक है, किसके साथ ठहरी हो तुम? मामा की सहेली के पास। आज कॉलेज में टीचर है, पहले भी मम्मी डैडी उन्हीं के पास छोड़कर यूएस चले गए थे। वैसे तो मैं उन्हें टीचर बुलाती हूँ, लेकिन है एकदम माँ जैसी। रुक 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 जी। अरे तुम्हें नहीं बेटी, इसे कह रहा हूँ, रोक दे यहाँ पे। मैं शॉप पे छोड़ता हूँ ना। अरे नहीं, फिर यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा ना, रोक दे। बापू मेरे घर आओगे ना पक्का? हाँ हाँ, बंगला नंबर 16, कॉलेज कॉलोनी, एक दिन सरप्राइज देने आ जाऊंगा। ओके सी यू, बाय।
अंदर नहीं आओगे? Should I? कब? Wow! गा कौन रही है? टीचर, इन्हीं के बारे में बता रही थी। अमेरिका जाने से पहले इन्हीं के साथ रहती थी। अचानक यूएस चली गई उन्हें छोड़कर, तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। ओह, तो मेरी शरारत ने उन्हें भी दुख पहुंचाया। मैंने बोला ना, बीती कड़वी बातें बंद, सिर्फ मीठी यादें, समझे? टीचर, टीचर, लुक हूज कम। सॉरी, मेरे आने से आप डिस्टर्ब तो नहीं हुई? नो, इन्हें डिस्टर्ब करने का जिम्मा मेरा है। इन्हें गाने का शौक है और मुझे बकने का, इसलिए जब भी वो रियाज करती है या तो मैं पढ़ती हूँ या सीधे घर से बाहर जाती हूँ। लेकिन टीचर कभी बुरा नहीं मानती, सर पे चढ़ा रखा है मुझे। हाँ, अरे इन्हें पहचाना नहीं? चलती फिरती नाई की दुकान जिसने मेरा हुलिया बदला था। शिखा, घर आए मेहमान का मजाक नहीं उड़ाते। अरे ये नहीं उड़ेगा, बड़ी गेंडे की चमड़ी है इनकी, जाड़ी मोटी। ये लड़की तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी, बैठो। देखा, ऐसी ही है हमारी टीचर, हर दम परेशान। आग है तो दुआ क्यों नहीं, दुआ है तो आग क्यों नहीं। अमेरिका में हर हफ्ते इनके खत आते थे, बालों में बादाम तेल डालती हूँ कि नहीं, हरी सब्जियाँ खाती हूँ कि नहीं, मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। शिखा, इन्हें लग रहा है मैं अभी भी 2 साल की चुन्नी मुन्नी हूँ। बस यार, मुझे जलन हो रही है अब। क्यों? तुम्हारी दो दो माए हैं तो एक तुम उठा लो। क्या लोगे गौरव? नहीं थैंक यू, आज कुछ नहीं, मुझे शॉप पे भागना है, मैं फिर आऊंगा। बापू, 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 माथुर अंकल, ये क्या मजाक है? बापू अभी भी वहां? अरे वो तो यहाँ आया ही नहीं। क्या? कहाँ से आ रहे हो? घर से साहब। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बापू को ढूंढ रहा हूँ, अभी तक घर नहीं आए। दोस्त रिश्तेदारों को फोन किया क्या? किसी को कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल वगैरह चेक किया सभी जगह पर? ज्यादा कुछ नहीं है, पैर में चोट आई है, एक इंजेक्शन दे दिया है सेलिटिस का। आप उनके बेटे हो? हाँ। डोंट वरी, उनको आप सुबह तक ले जा सकते हैं घर। धीरे बाबू, धीरे बाबू। बहुत तकलीफ दे रहा हूँ तुझे। अरे बहुत, इतनी तकलीफ तो मैंने कभी उठाई नहीं। एक्चुअली तो सारे काम बीवियों के करने के होते हैं, लेकिन हाँ, पर हम दो कुंवारे बीवियां कहाँ से लाएंगे? पड़ोस की उठा के लाओ किराए पे, थोड़ी सी लेन देन। गौरव दादाजी, अब कैसी तबीयत है बापू? ठीक है, ठीक है। गौरव, नाश्ते की चिंता मत करना, रूपाली ने सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता बना के भेजा है। आ जा, टेबल पे रख दे। दादाजी, पापा तो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ही सुबह उठ के नाश्ता बनाया है। वो तुम्हारे पापा ने कहा, हम तभी समझ गए। तो धड़ से गिर पड़ा। चलो बेटी। पापू, मैं रहना तो यहीं पर चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं ऑफिस की। कोई बात नहीं बेटे, तूने सुबह उठ के इतना नाश्ता बनाया वही बड़ी बात है, काम रुकना नहीं चाहिए। बाय। चलो बेटो, चलो, लेट हो रहा है बेटा। बाय दादा।
दादाजी। चल एक बार वो गाड़ी वाला हाथ में आ जाए ना, ऐसी धुलाई करूंगा मैं। अरे उसे क्यों कोसता है, गलती मेरी थी। कोई सपनों में खोया खोया सड़क पार करेगा तो जिएगा कि मरेगा? आप भी बापू, दूसरी कोई ढंग की जगह नहीं मिली क्या? नहीं, उस दिन मैं उतरा तो वर्षिका गाड़ी में साथ साथ थे। होलसेल के भाव में सपना देखना शुरू किया जो हर बाप अपने बेटे के लिए देखता है। बापू? है? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पैर में थोड़ी मोच आ गई, कुछ नहीं। फिर भी बताना चाहिए था ना, मॉल में फोन किया तो गौरव वहां नहीं था, मोबाइल बंद, घर में सिर्फ ट्रिंग ट्रिंग, परेशान हो गई थी मैं। इतना बुरा हाल था? हाँ हाँ, तो बुरे हाल में तुम मुझे याद क्यों करोगे? उन्हीं को याद करोगे जो तुम्हारे करीब है ना। पापू, मैं पूरा दिन यहीं पे बेबी सिटिंग करने वाली हूँ, अगर आपकी बेटी को मिर्ची ना लगे तो। उसको क्यों मिर्ची लगेगी? बहुत अच्छा, उसे मॉल पे भगा दो, मैं ख्याल रखने वाली हूँ। अरे नहीं शिखा, बापू को कब क्या चाहिए वो मुझे ही पता है। पैर में मोच आई है ना, मुँह में नहीं, मैं पूछूंगी, वो बताएंगे, मैं करूंगी। अरे फिर भी मैं, तुम्हें लगता है मैं बापू का ख्याल नहीं रख सकती हूँ ना, जैसे तुम रखते हो? तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ और आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगी। ओके ए शिखा, तो फिर घुस जा सीधे बाथरूम में, तैयार होके मॉल, वहाँ पिकनिक मना रहे हैं तुम्हारे लोग। जा जा, अभी बीवी की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी आ गई। बाप और बेटी। नाश्ते में क्या लोगे बापू? झाड़ू की सेवैया। बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर टेबल पर ही पड़ा है। माइंड ब्लोइंग, मैं परोसती हूँ। It's love, baby, that's so wonderful. It's love, nothing that's so beautiful. It's love, it's gonna, baby, move your world. It's love, come on now, come and get it, girl. It's love, baby, that's so wonderful. It's love, nothing that's so beautiful. It's love, it's gonna, baby, move your world. It's love, come on now, come and get it, girl. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, love is gonna take you higher. Ishq subhanallah, it's gonna set your heart on fire. Ishq subhanallah, love is gonna take you higher. Ishq subhanallah, it's gonna set your heart on fire. Ishq hai ek haqeeqat, ishq hai ek ibadat, ishq dilon ki zarurat. ये बात है सच वाला, इश्क सुभानअल्लाह, love is gonna take you higher, इश्क सुभानअल्लाह, it's gonna set your heart on fire. इश्क है एक हकीकत, इश्क है एक इबादत, इश्क दिलों की जरूरत, ये बात है सच वाला, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह. It's the best thing I could ever have. Just listen to my heart, you'll see I'm peaceful as a dove. Said I'm in love, and everything is beautiful to me. Every flower that I see, and every single place I be, now I'm in love, and captivated by your truly beauty, your cutie, and not just any other sexy booty. I'm in love, and heaven knows no faking that I'm making. I'm waking you to the fact that I'm yours for the taking. ख्यालों में है तू, है तू, है baby. इश्क सुभानअल्लाह, love is gonna take you higher. इश्क सुभानअल्लाह, it's gonna set your heart on fire. इश्क सुभानअल्लाह, love is gonna take you higher. इश्क सुभानअल्लाह, it's gonna set your heart on fire. Wonderful, it's love, nothing that's so beautiful. It's love, it's gonna, baby, move your world. It's love, come on now, come and get it, girl. Ishq subhanallah, love is gonna take you higher. Ishq subhanallah, it's gonna set your heart on fire. Ishq hai ek haqeeqat, ishq hai ek ibadat, ishq dilon ki zarurat. बात है सच वाला, इश्क सुभानअल्लाह, love is gonna take you higher. इश्क सुभानअल्लाह, it's gonna set your heart on fire. बापू,
बापू दिन धाड़े सपना देख रहे हो क्या बापू? दरवाजा खुला है, हम आए और पता भी नहीं चला। बिल्कुल सही पकड़ा बेटी, सपना ही देख रहा था। क्या क्या मुझे भी बता। कम बापू ये है अंजना मेरी सहेली। नमस्ते। हाँ अंजना, अंजना मेरी शादी 18 तारीख को है। अरे वाह मुबारक हो, क्या करते है जमाई राजा? नेटमेट नाम की बड़ी सी आईटी कंपनी के मालिक हैं। अर्जुन राव फिलहाल यही है इसलिए मैडम इतने दिन टिकी है। शादी के बाद न्यूयॉर्क में डेरा डालने वाली है। क्या हा? शादी केरला में है हमारे पुश्तैनी घर में, आप दोनों को एक दिन पहले आना है। हाँ जरूर जरूर। बोलो बेटी कैसे मुंह मीठा कराऊं? अभी कुछ नहीं बापू, भागना है, काज का ढेर है, बहुत घूमना है। बाय। ठीक है ठीक है बाय। राणे एक नई वाली मिली है ये देख। देखा देखा बाद में। अंकिल हमें आपको भी कार देना है। किस खुशी में? इसकी शादी। बापू और गौरव के साथ आपको भी आना पड़ेगा। इसको तो मैं खींच के लेके आऊंगा। ओके बापू हम लोग चलते हैं। संभाल के जाना बेटे। मैं नहीं जाने वाला किसी की शादी वादी में। क्यों? कोई फेरे लेता है तो मुझे चक्कर आता है, देखा नहीं जाता। तुम लोग जाओ हम लोग आ जाएंगे। बाटली मुंह में लेके दूध पीते बच्चे दूल्हे बन रहे हैं। तू बैठी रह यही, तेरा कुछ नहीं होने वाला। अब भागन ससुरी। ए तूने देखा शिखा को? हाँ एक बार देखा, उसकी काली शाही अभी तक मेरे चेहरे से धुली नहीं है। अरे घोंचू मैं इस लड़की की बात कर रहा हूं, ये लड़की मुझे भाग गई है गौरव के लिए। आजकल मैं जो सपने देखता हूं ना इन दोनों के देखता हूं। अरे इस तरह निठल्ले बैठकर सपने देखने से क्या होगा, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये पता कर। मैं गौरव से पूछूंगा। अरे बच्चे का क्या है, तू बोले तो बकरी से भी शादी कर लेगा, लेकिन बात लड़की की है, उसके दिल में क्या है वो क्या सोचती है ये जानना है। अब मुझे ही ले ले, मैंने कितनी लड़कियां देखी सब मुझे पसंद आई, लेकिन मैं उनको पसंद आया, इसलिए पहले लड़की फिर बात आगे बढ़ाना। ठीक है। मेरी तो गाड़ी अटकी है, इनकी चल जाए बस। अरे हंसती रहोगी जवाब तो दो। अरे बापू बाबा आदम के जमाने की बात थी वो, किसी का साथ अच्छा लगा तो प्यार व्यार करके जीवन साथी बना डाला, आजकल हम में से कोई ऐसा सोचता ही नहीं। आप अपने घर के चिराग को ही पूछ लो। मतलब मेरा बेटा वो पसंद नहीं है तुम्हें? अच्छा दोस्त है, लेकिन इस दोस्ती को जो टोपी आप पहनाना चाहते हैं वो तो मेरे दिमाग में है नहीं। सच कहूँ तो हाथ दिखाओ, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम कभी ऐसा हाथ दो, सोचने भी लगो। ये भी नहीं हो सकता, वो तो मैं नहीं जानती। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें जब कभी भी वो दोस्ती की ऊपर वाली टोपी वो पहनने को दिल करे तो पहले मुझे बताना। गौरव क्या सोच रहे हो? बापू आपको शिखा से ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी? तो उसने तुझे बता भी दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? देखो मैं उसे अपने दिल की बात बता रहा था और उसने अपनी राय बता दी। हाँ रो ये जरूरी नहीं कि जैसे हम चाहें हाँ हाँ वो भी हमें चाहें। हाँ तो तेरे दिल में भी उसके लिए कुछ है? हाँ बापू शिखा की दुनिया वहां है अमेरिका में, दोस्त घर परिवार न जाने क्या क्या, हमें क्या पता उसके दिमाग में खुद के लिए क्या प्लान है। आप भी ना बिना सोचे समझे घुस जाते हो। फिर भी बेटा फिर भी पहली बार तेरे दिल में है। छोड़ो ना यार छोड़ो।
आइए आइए जी। नमस्ते, ये है मेरे मम्मी पापा। और इन्हें तो आपने पहचाना ही होगा। अरे कैसे नहीं पहचानेंगे, ये दोनों हर वक्त आपके बारे में जो बातें करती रहती हैं। आप हिंदी काफी अच्छा बोलती हैं। मिलिट्री में था, संयुक्त से पोस्टिंग यूपीएमपी दिल्ली साइड में होती रही है। ओ, चलो अच्छा है, माने किसी से तो बात हो सकती है। अब बेटी की शादी में आई है तो बताइए क्या काम करना है, लकड़ी काटनी है, पानी भरना है कि हलवाई पे नजर रखनी है? अरे आप काम क्यों करेंगे, आप हमारे मेहमान हैं, आपका पूरा बंदोबस्त गेस्ट हाउस में किया है। सफर काफी लंबा रहा आपका, आप लोग फ्रेश हो जाएं, इन्हें इनका कमरा दिखा दें आप, तब तक मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। ऐसे झटका खा के क्यों बैठा है? जैसे रास्ते में पता चला हो अचानक जिससे होनी थी सगाई वो निकली किसी और की लुगाई। अबे कान में रुई ठूस दी है क्या? अरे आया सावन झूम के, चारों तरफ हरियाली, 30, 32, 34 हर उम्र के फूल खिले हैं, खचाखच भरा हुआ है आंगन छोकरियों से, झुंड के झुंड आ गए, उसमें मेरे वाली भी हुई। तो तू कौन सी भाषा में बात करेगा उनसे? अरे प्यार की कोई भाषा होती है राणे? तुझे क्या लगा मैं यहाँ शादी की पीपी सुनने आया हूँ या शादी की मिठाई पेट में ठूसने आया हूँ? अरे तेरी फुर्ती को क्या हुआ, कहाँ फुर गई? अच्छा इसका भी तोड़ है मेरे पास, ताड़ी, दो दो गिलास डालते हैं अंदर गटागट और फिर प्यार के सागर में तैरेंगे फटाफट। खूबसूरत छोकरियों की गोद से बच्चा लेंगे, उड़ू करेंगे, वापस देंगे, बच्चा लेंगे, उड़ू करेंगे, वापस देंगे। अरे ठीक है, इसमें बुरा क्या है? अच्छा तू बैठ, मैं ताड़ी लेके आता हूं। वेंडा मतलब जरूरत नहीं। लेकिन पूरी बोतल घटक के यहां वहां रेंगना मत कीड़े मकोड़े की तरफ, समझे आप? उल्टी उल्टी करके इज्जत का फालूदा मत करना। घबराओ मत, मैं राणा को इतनी नहीं पीने दूंगा। आपकी बात कर रहा हूं मैं। चल चल चल, हम नीचे जा रहे हैं, आज पूरी रात नाच गाना चलेगा, आप लोगों का जब मन करे आ जाना। ओके? जल्दी आना, सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाना है, शादी वही होनी है। गो। जाना है तुझको पिया के अंगना, सजाने बिंदिया सजाने कंगना, बिहार से आई पुरवाई की बाबुल की महकी अंगनाई की, कहती है गूंज शहनाई की गोरी, बिहार से आई पुरवाई की बाबुल की महकी अंगनाई की।
दामन किसी भी मीत का तुझे पे भी मुझे पे भी छाए बस प्रेम रंग छाए कोई दूजा रंग ना बिहार से आई पुरवाई की बाबुल की महकी अंगनाई की कहती है गूंज शहनाई की गोरी हो जाना है तुझको पिया के अंग वो जो गा रही थी छोकरी ए तू जानता है उसको वो छोकरी नहीं टीचर है शिखा उसी के पास रहती है क्या गाती है क्या बदन है गायन कहना चाहते हैं आप गलती नहीं हुई है मुझसे मैं वही कहना चाहता हूं बदन अच्छा वो गाना सिखाएगी क्या गाल में गुब्बारे भरता है मुफ्त में नहीं वो जो मांगेगी मैं दूंगा वो मांगने वाली नहीं है प्रोफेसर है आर्ट्स कॉलेज में म्यूजिक सिखाती है वैसे आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली वो मंगलसूत्र नहीं दिखा क्या गले में मंगलसूत्र नहीं था जिसकी शादी नहीं होती वो मंगलसूत्र नहीं पहनते राणे राणे सुना खटिया देखी नहीं के खराटे शुरू बेटा मेरी बात सुन मेरे लाल तू ही मेरा रिश्ता लेके जाना बोल मैं तैयार हूं उससे शादी के बाद छेड़ेंगे ना तो जूते पड़ेंगे जूते चलेगा तू बात तो चला देखो ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा मुंह की हवा जाएगी बस लेकिन अगर मिला तो माल मिलेगा माल चुप कर इडियट सो जा अभी सड़क गंदी बात करता है मुन्ना भी बात सुन चलता है साला आपको किसी से मिलवाती हूँ बापू मेरे टीचर टीचर आपको पता है ये कौन है अपने गौरव के बापू और ये चलो 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 मुहूर्त निकले जा रहा है चलो बापू बापू कहाँ गायब हो गए पता नहीं होगा देखता होगा कहीं नजारा वो तुम्हारा काम है मेरे बापू का नहीं गौरव इनसे मिलो अरे कंग्रेचुलेशंस थैंक यू लेकिन ऐसी बधाई आपको एक बार और देनी पड़ेगी न्यूयॉर्क जाने से पहले हमने आप ही के शहर में दोस्तों के लिए और ऑफिस के लोगों के लिए एक रिसेप्शन रखा है तो आप जरूर जरूर आइएगा 100%
नहीं है के चंबल के मजनू। अरे तू बीच में आ गया साला, मैंने हॉर्न तो मारा था और तने हरन ना मारी थी, तने आके सीधा सीधा टक्कर मार दिया था। अरे मैं तो मजनू के टीले से चिल्लाता रहा हूँ दूध वाला दूध वाला। चल अब तू दूध के पीछे निकाल। अबे तेरी गलती है, तू भुगत। अरे तू दूध के पीछे नहीं देगा तो आंखें काट लूंगा मैं साले। तो तू मेरी आंखें निकालेगा साले? तू जानता है मैं कौन हूँ? मिनिस्टर तो ना लगे है तू। अबे तेरी, रुक साले, अबे रुक बापू, अबे रुक, अबे मेरे दूध के पीछे देखे जा साले, ओ भैंस की पूंछ, अबे वापस आ। ओए आ गए, मैं बाद में फोन करूंगा। कि क्या है बापू, ये नया हुलिया है क्या? ये वो मेरा वो वो सुबह कुछ मिल नहीं रहा था, तेरा कवर खोल के पहन लिया। ये बाइक किसकी है? मातुर के, वो छोड़ के। दूध वाले को कितना पैसा दिया? दूध कौन दूध वाला कहाँ का? अरे बाप रे, उसको तो पिछले ही हफ्ते हमने पैसे दिए, फिर से कैसे पैसे मांग सकता है वो? वो दूध वाला ये दूध वाला नहीं है, ये दूध वाला वो दूध वाला है जिसकी साइकिल ने तुम्हें मारा शिका के घर के सामने। मैंने बापू ज्यादा बनो मत, अभी अभी शिका का फोन आया था। नहीं नहीं, वो मैं नहीं हो सकता, उसने कोई सपना देखा होगा और वह अरे हाँ, उसने मेरा हमशक्ल देखा होगा। कहते हैं कि इस दुनिया में हमारे जैसे सात लोग होते, सात। ए, आपके हाथ को क्या हुआ? क्या ये खून है क्या? कहाँ, किधर? हाँ ये भाई, ओ पार्क में दौड़ रहा था तो पेड़ की टहनी से टकरा गया, तो बोले तूने मुझे बताया तब मुझे पता चला। उसी कोई बात नहीं, उसी वक्त साफ करूंगा, दो मिनट करूंगा। इतने जले कैसे? किचन में कुछ जला था क्या? वो जला नहीं था, मैंने बाल को रंग लगाया है। मूंछ कहाँ गई? काट दी। क्यों? क्यों क्या? तेरे साथ बाहर निकलता हूँ, लोग बोलते ये गौरव अपने दादाजी के साथ जा रहा है। मैं क्या तेरा दादा हूँ? ना ही तेरा दादा हूँ, ना ही मैं इतना बूढ़ा हूँ, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बाल रंगाते, तो कर दिया मैंने। तो सलून में जाकर ढंग से क्यों नहीं करते? वरना लोग बोलेंगे कि बेटे ने बाप के सर पे डामर का डिब्बा खोल दिया, वो बिल भी मेरे नाम फटेगा। और बापू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं सफेदी की चमकार हो गया, क्या हो क्या रहा है? क्या बुरा है? बंठन के क्या सिर्फ तू ही घूम सकता है, मैं नहीं? क्या है ना मेरे लाल, कौवा चाहे दूध में भी ना लेना, बगुला नहीं बनता। कौवा, बारिश होने वाली है, बाहर निकलना मत वरना सचमुच भीगा कौवा लगोगे। बेटे यहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट कहाँ है? म्यूजिक डिपार्टमेंट नहीं, इतिहास, हिस्ट्री विभाग। आपका इतिहास? ये हिस्ट्री विभाग कहाँ है? यहाँ से ऐसे इधर या। चल चलना। नहीं तू जाना, तू जाके बात करेगा, तुझे पसंद आएगी, बाद में मैं जाके बात करूंगा ना। हा? अच्छा और सुन, मैं यहाँ पे कुछ काम निपटा के आता हूँ। ओके हाँ ठीक, और गैस पे रख के दूध के जैसे उबलना मत। ओके ठीक, शांति से, शांति से। नमस्ते। ओ म्यूजिक डिपार्टमेंट? हाँ जी। अनुराधा जोशी? आज तो वो दिखाई नहीं दिए, वो तो छुट्टी पे है ना, लीव लेटर भेजने वाली थी पर अभी तक हम लोगों को मिला नहीं। okay. कोई मैसेज? हाँ उनको नहीं। वहाँ पर वहाँ Oh,
वो देख चाचा जी। अरे वो देख चाचा जी। अरे वो देख। अबे चाचा। सागर जय कपीश तिहुलो को जग रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वर्ण विराट सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ बजावर ध्वजा विराजे कांधे मुज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी। पढ़ रहे हो गीता? बोल रहे हो हनुमान चालीसा? और ये क्या है, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी? कॉलेज में जो नाच नचा है ना आपने, ये भगवान के सामने भी नाचेंगे ना, तो भगवान बच्चों से 3 गुना ज्यादा टेढ़ा करेगा, याद रखना। मैंने सुना कपड़े उतार के चड्डी में खड़ा किया आपको। वहीं रुक जाओ बापू। अच्छा हुआ आज शिखा टीचर की छुट्टी की अर्जी लेकर कॉलेज गई और मुझे पल पल आंखों देखा हाल मिल गया। सोचते सोचते फट गया मेरा दिमाग, आप कॉलेज गए क्यों? क्या छुपाना तुझसे, अभी मैं प्रिंसिपल को मिलने गया था 12वीं के दाखिले के लिए। 12वीं के एडमिशन सीनियर कॉलेज में? 12वीं? 12वीं कौन बोला? बीए। बीए बोला मैं, बीए। तू 12वीं सुना? बीए के लिए। हाँ। तो इस उम्र में आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो? मेरे लिए नहीं, मेरे लिए है, काम है तो, दोस्त का बेटा है उसके लिए गया। लेकिन माथुर की तो शादी भी नहीं हुई है। गुजर गया बेचारा, लंदन में था, उसका बेटा उसके लिए गया था, दूसरा दोस्त। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? ये मेरा लंदन में था तो दोस्त का बेटा अपने पास, तो मरा हुआ दोस्त वापस आ गया। कब? मरा हुआ नहीं रे बाबा, गुजर गया हो। अरे गया गुजरा एकदम, सिगरेट दारू बहुत पीता है वो, गया गुजरा, मरा हुआ नहीं। बापू आपको पता मैं अब तक चुप क्यों बैठा हूं? ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो शहर वाले ये ना कहे कि देखो बाप पीटने वाला जा रहा है। कितनी गलतियां करेंगे, एक फटाका हो तो छुपाऊं, 1000 की लड़ी तड़काई है आपने। आगे जाके ऐसे दोस्त रख के बर्बाद होने का इरादा है तो मैं जाके किसी वृद्धाश्रम में फेंकाऊंगा। इधर आ। हे भगवान, बाप ऐसा है तो बेटे को कैसे शांति मिल सकती है? एक कदम रखा ना इस कमरे के बाहर तो देखना, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मैं खा पी के बैठा हूं। हाँ हाँ, आग लगी होगी पेट में, बच्चों ने जो मरम्मत की है। हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में ऐसा बाप पैदा किया है। हेलो, 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 thank you.
ये डॉक्टर लोग साले टाइम पे मिलते ही नहीं है। ये किसका घर है? मैं पूछती हूँ ये किसकी आवाज है? अरे मेरी अपनी, ये किसका घर है बोलिए ना। फोन घुमाने से पहले दिमाग घुमाना चाहिए कि बात किससे करनी है। शिखा तुम? गौरव? अरे बाबू ने फोन किया था क्या? कब? अभी? नहीं तो, लेकिन कब से गुंगा मिस कॉल दे रहा है। फोन बजता है, मैं उठाती हूँ। नाश्ता तैयार है। हेलो, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके? आपने शिखा को फोन किया था? हैं? चलो अभी कान भी बैटरी पर चलने लगे। आपने शिखा को फोन किया था? मैं क्यों उसे फोन करूंगा? बापू फोन पे जो रीडायल बटन होता है वो दिखाने के लिए नहीं होता है, मैंने दबा के देखा है। हाँ क्यों? कुछ फल काटूं? ये कटेंगे आप। क्यों किया था फोन? ओ किसी ने बोला कि वहां पे म्यूजिक टीचर रहती है जो संगीत पढ़ाती है ना। मच्छर मारने के लिए ताली भी ठीक से नहीं बजा पाते, ताल क्या सीखेंगे आप? मेरे लिए नहीं, गुड्डी के लिए। गुड्डी? जूस पीना? हाँ? उसको तो मैंने गुनगुनाते हुए भी नहीं सुना। क्या करूं, चिराग ने जिद की। ओ भाई साहब, गुड्डी के लिए म्यूजिक टीचर ढूंढ के लाओ। भाई साहब? हाँ। चिराग ने आपको भाई साहब बोला? क्या है तू क्या समझते क्या? ये क्या मेरे बाल क्या धूप में सफेद हुए? टकाटक टकाटक सवाल पे सवाल पूछ रहे बाप को इतना, तू क्या कोर्ट में खड़ा करेगा क्या? बोला जब देखो तो सवाल पे सवाल। कमाल है, ऐसे बेवजह गुस्से का क्या मतलब? अरे सठिया गया है मेरा बुढ़ा, कुछ ना कुछ भांगड़ा चल रहा होगा उसके दिमाग। कुछ तो छुपा रहे है वो तुमसे। अरे क्या छुपाएगा वो मुझसे? तुमसे बहाना बना के कॉलेज जाना, मेरे घर के सामने चक्कर काटना, क्या वो किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? किससे? ऐसा कोई जो दोनों जगह हासिल हो। अरे वहां इतनी भीड़ होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है? टीचर! क्या? तुमने तो कहा था ना ये नए अवतार शादी के बाद चालू हुए। हाँ। टीचर भी थी शादी में। मैं समझा नहीं। अरे जब मैंने उन दोनों को मिलवाया था ना, टक टुक टक टुक एक दूसरे को ही देख रहे थे दोनों हैरान। बापू क्यों हैरान हो जाएंगे? वही तो, आम आदमी आपस में मिले तो ऐसे थोड़ी बिहेव करते हैं। मैं बोलती हूँ कुछ तो है उन दोनों के बीच में। बापू टीचर पे लाइन मार रहा है? वैसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन शादी के बाद ही तुम्हारे फैशनेबल कपड़े उड़ गए, उनके बालों की सफेदी निकल गई और मूंछ भी निकल गई, और घर में शमी कपूर की तरह नाच रहे थे। साला मेरा बापू। सुन ऐसा मुझे लगता है, मेरे पास कोई सबूत वबूत नहीं है। अरे उसकी फिक्र मत कर। हेलो, हेलो कौन? हेलो, मैं अनुराधा जोशी। अनु? आप श्रीमान जनार्दन राणे हैं? श्रीमान जनार्दन राणे? इतनी फॉर्मालिटी क्यों है? तू तो मुझे जानू कह के बुलाती थी ना, तो आज भी वैसे ही बुलाना, जानू। नहीं नहीं तो, एक्चुअली इतने दिनों बाद अचानक। सच कहूं अनु तो मेरा तो कई बार दिल किया कि तुमसे बात करूं, लेकिन ये सोच के रह गया कि कहीं तुम नाराज हो गई तो। नाराज नहीं तो। सुनो, मैं तुम्हें
बताना चाहता हूँ कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। जानती हूँ, अपना अपना नसीब है। कितना सुकून मिला है ये सुनकर। और शादी में तुमने मुझे पहली नजर में ही पहचान ली है, मैं तो दंग रह गया। और फिर तुम्हारा गाना सुना, फिर वो सारी यादें एक के बाद एक। यादें तो ढेरों हैं, तुम्हें क्या कौन सी याद आई है? यादें मैंने तुम्हें चार लाइनें दी थी, वो कविता मैंने हवा के परों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना। हाँ याद है। मुझे तो लगा कि तुम सब भूल गई होगी। कैसे भूल सकती हूँ वो कविता जो तुमने मेरे दिल की पन्नों पे लिखी थी। अनु, तुम एक बार गा के सुनाओ ना तुम्हारे जानू के लिए। हाँ प्लीज। नहीं नहीं तो शिखा आ रही है, बाद में। मैंने हवा के परों पे लिखा दीवाने दिल का फसाना, तूने पढ़ा के नहीं जान जाना, मिलके मुझे बतला। हेलो हेलो हेलो, क्या ये अनु है? कौन बात कर रहा है? क्या कहूं, श्रीमान जनार्दन राणे या तुम्हारे लिए सिर्फ जानू? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या कहूं, शायद तुम मुझसे नाराज हो। नाराज? और मैं? तुम्हें पता है जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। शादी में सिर्फ एक बार देखने से तुमने मुझे पहचान लिया, मैं तो हैरान रह गया। फिर जब तुम्हें गाते सुना, सारी पुरानी यादें एक के बाद एक। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ। एक वजह है तुम्हें अभी फोन करने की। कल मैं कुछ किताबें उलट पुलट कर रहा था तो यूं ही वो चार लाइनें याद आ गई। याद है वो कविता जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी? आज भी तुम्हारी आवाज मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही है। मैंने हवा के परों में लिखा है दीवाने दिल का फसाना। अरे बेटा बेटा, आपके पापा है घर पे क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। क्या लग रहे हो आजकल, हाँ आप जैसे उम्र 52 नहीं 25 हो। क्या बात है, आपके गाल ये बाल अभी भी जवानी छलकती है। हाँ अरे अभी से शुरू हो गए? छोड़, बिना काम के तू मेरे घर की घंटी बजाने से रहा? जल्दी से बोल बात क्या है। देखिए अंकल, पिछले 20 सालों से जो काम करने में आप नाकामयाब रहे हैं वो काम में आज चुटकी में कर देना चाहता हूँ। क्या? आपकी शादी। तूने भी शादी का ऑफिस खोल लिया? अरे खोला नहीं, लेकिन आपके लिए खुलवा देंगे, उसमें क्या है। क्या याराना रहा है आपके और मेरे बापू का, इतने साल लंदन में पैसे नहीं थे तो एक ही बिस्तर में खाना खाए, एक ही थाली में सोए। उल्टा बोल रहा है। अरे जो भी है, आपको आपकी यारी की हर पल याद है ना, और मेरे बापू गद्दार। गद्दार? उसने क्या कब घोड़ा मारा मेरा? बुलबुल। क्या? आपके दोस्त ने एक प्यारी बुलबुल जैसी लड़की अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखी है कब से, और आपको भनक तक नहीं लगने दी। बुलबुल? देखो टेंशन मत लेना। टेंशन मत दो, जल्दी बोलो। शिक्षा की टीचर प्रोफेसर अनुराधा। वो सुरीली?
लेकिन तूने तो कहा था कि वो गले में वरमाला नहीं चप्पलों की माला डालेगी, हैं? तब ना, वो तो तब था यार। और अब बात बदल गई? वही तो। आप अभी के अभी बापू से जाके बात कर लीजिए, वो आपकी शादी और हनीमून दोनों फटाफट करवा देंगे। वो कैसे करवाएगा? अरे सुरीली और बापू एक ही गाँव के है ना, जानते हैं एक दूसरे को। वो बापू की बहुत इज्जत करती है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार बापू ने कहा, वो मना नहीं कर पाएगी। अब देखिए मधु अंकल, आपका इतना बड़ा घर है, दौलत है, कोई तो संभालने वाला चाहिए ना। ये घर दौलत संभालने के लिए मैं काफी हूँ, मुझे सिर्फ वो चाहिए। क्या? शादी। हाँ तो यहाँ बैठे बैठे थोड़ी कुछ होने वाला है। आप अभी के अभी बापू से जाके मिलो, वो इस वक्त घर पे अकेले हैं। कुछ समझे आप? हाँ तो उठो, अभी उठो। और सुनो, मुझे बीच में मत घसीटना, मेरा नाम लिया ना तो ये जो समझौता एक्सप्रेस है ना, वो तुरंत बंद कर दूंगा। ओए मेरी कमर, अच्छा टाइम आने वाला है, इसको भी अभी साथ छोड़ना था। उठो, उठो यहां से, और मुंह काला कर अपना। मुंह काला? वो क्यों? तुझे पता है वो कौन है? प्रोफेसर अनुराधा। तेरे लिए, बाकी सबके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए सिर्फ मेरी अनु है। हम दोनों एक ही गांव में पैदा हुए थे, अड़ोस पड़ोस में साथ साथ खेलते कुत्ते बड़े हुए, स्कूल के बस्ते टंगे थे कंधों पे, तब हमने तय किया था कि हम जिएंगे हमेशा के लिए साथ साथ। उसके भाइयों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी, लेकिन मेरी अनु ने जिद की कि मुझे यहां से ले चलो जानू, मैं ये घर छोड़कर भाग जाना चाहती हूं। और शादी की एक रात पहले जो हाथ लगा बांधकर हम लोग भाग गए, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ही पकड़े गए। उसके भाइयों ने मुझे बहुत मारा और फेंक दिया पटरी पे आधा मारा। नजदीक आती ट्रेन से पटरियां जब धड़कने लगी तो मैं होश में आया, जैसे तैसे खुद को उठाया और ट्रेन में झोंक दिया। वो ट्रेन कहाँ जा रही थी, वो सोचने का होश ही कहाँ था। कुछ दिन बंबई में था, फिर लंदन, और भागता रहा। अनु ने अपने भाइयों की ताकत के सामने हार मान ली और उस शादी कर ली। इस नुकीली कील पे मैंने अपनी जिंदगी टांग ली और फर्ज और जिम्मेदारी के जाल में अटकता गया। शादी में तू और गौरव जब बात कर रहे थे तब पता चला कि मेरी अनु तो अकेली है। मेरी अनु, उसने अपनी सारी जिंदगी मेरे इंतजार में काट दी, और मैं जब मिला था भरा पूरा परिवार, दो दो जवान बेटे, और मेरी अनु अकेली। इसके लिए मैं जिम्मेदार, सिर्फ मैं। घर अमेरिका, डैड का फोन आया था, वो मुझे लेने आ रहे हैं। तुम जा रहे हो ना? हाँ। वापस कब आओगी? पता नहीं, डैड ने कुछ तामझाम करके रखा है, लेकिन ये दुनिया गोल है, कभी तो हमारे सर टकराएंगे ना। Nice to see you again, Gaurav. Hi. Hello. और आपके आने से एक कमी पूरी होगी। We won't be missing our families. आप भी एक family जैसे हो हमारे लिए। Hello, Arjun. Hello. मुबारक हो। Thank you very much. Congrats. Okay, we won't take more of your time. Yeah, please make yourself comfortable, okay? Thank you. इतनी देर कहाँ लगा दी? यार आजकल बापू घंटों लगाते हैं तैयार होने में। 10 औरतों का मेकअप एक तरफ और बापू एक तरफ। बापू? इसलिए तुम खतरे में हो। बड़ा भाई इतना डैशिंग है तो छोटे को कौन पूछेगा? ये सुना तुमने? अब ये बापू बापू बोलना बंद करो। कॉल मी जेआर। जेआर? यस जेआर। हाय गौरव। हाय जेआर, चलो। हाय, एक और बार पहचान कराने की जरूरत तो नहीं है ना?
टीचर एवरीबॉडी इज गोना डांस और हमें एक अच्छा गाना चाहिए एंड यू आर द बेस्ट कम ऑन मैं नहीं बाबा सॉरी क्यों गाइए ना प्लीज प्लीज गो गो टीचर नहीं हफ्ते भर से बच्चों को सिखाना बंद है मेरा मुझे बख्श दो अरे आपको छोड़ेंगे तो मुझे माइक पकड़ना होगा और इसने माइक पकड़ा ना तो लोगों को पकड़ पकड़ के वापस पार्टी में लाना पड़ेगा सो प्लीज टीचर आई एम सॉरी रियली सॉरी आई थिंक यू आर गोइंग टू बी सॉरी क्योंकि अब आप मेरा गाना सुनने वाले मैंने हवा के परों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना तूने पढ़ा के नहीं जाने जाना मिलके मुझे बतलाना फूलों में तारों में सारे नजारों में आंखों ने देखा है चेहरा तेरा मैंने हवा के परों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना तूने पढ़ा के नहीं जाने जाना मिलके मुझे बतलाना बसाया रातों को ख्वाबों में तुझे छुपाया मन के दरीचों में तुझे सजाया जाने तू जाने ना ओ सजी है रागनी क्या करूं जीने ना देती है तेरी अदा मैंने हवा के परों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना तूने पढ़ा के नहीं जाने जाना मिलके मुझे शराबी होने लगा आलम गुलाबी आए न चैन कहीं जरा भी बहके मेरे अरमा दीवाने दिल का मैं बच्चों को गाना बता दिया मैंने सारी पुरानी बातें बता दी हा? मैंने मुझसे नहीं हुई थी इसकी शुरुआत अनु मुझे फोन करके तुमने याद दिलाया था सब कुछ हा? क्या फोन तो तुमने किया था यादें तुमने दिलाई थी अनु फोन तुमने किया था आप दोनों को आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं मुजरिम यहां आपके सामने खड़ा है आप दोनों को हम दोनों ने फोन किए थे
जो किया शायद गलत किया हम जानते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसकी सच्चाई और गहराई हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब हमारा बस इतना कहना है कि क्योंकि आपका प्यार इतना सच्चा है, आप एक दूसरे को अपना लो। शिखा चलो यहां से। रुके प्लीज, सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं। आपने अभी तक किसी और को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि आपके दिल में सिर्फ मेरे बापू हैं। दिल पे हाथ रखकर सच बताइए, क्या आपने बापू से कभी भी नफरत की? ये क्या किया तुमने? बापू आप तो कुछ बोलो ही मत, मैंने आपका दिल रूबरू देखा है, कितना कुछ आपने मेरे लिए किया है, मुझे भी थोड़ा बहुत आपके लिए करने दो। कुछ कहे बगैर आप नहीं जा सकती हैं टीचर, बताइए बापू की गलती क्या थी? वो आपके गांव वापस कभी नहीं आए क्योंकि वो आपकी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकते थे। मैं मानता हूं कि जिंदगी का इतना तजुर्बा नहीं है मुझे, लेकिन एक बात समझ गया हूं मैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा होता है उसकी किताब में। बापू ने मुझे पालने में नहीं, उनके कंधों पर झुला के सुलाया है, आज भी ऐसे करीब रखते हैं जैसे मैं दिल हूं उनका। इतना प्यार मैं उन्हें वापस कभी लौटा ही नहीं सकता, और आपके यहां के बगैर तो कभी नहीं, क्योंकि मेरे बापू के लिए अनमोल तोहफा बस आप हो। हेलो गौरव, मैं मुझे लगता है टीचर पूरी रात सोई नहीं, उनके कमरे की लाइट सुबह तक ऑन थी, उसके बाद वो मेरे कमरे में आई और बोली। क्या कहीं मिलके बात करें? अरे मैं जानता था वो जरूर हाँ कहेगी। यार मैं रात भर भगवान से यही मांगता रहा कि क्या बात है, क्या बात है, मैं अभी के बापू को जाके बताता हूँ। गौरव क्या मेरी तरफ से एक और बात बताना, कहना कि उनके बेटे के दिल में अपने बापू के लिए बहुत सारा प्यार है, और पूछना कि उस प्यार का बड़े केक का एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिल सकता है क्या, क्योंकि उनका ये बेटा मुझे सचमुच पसंद है। हमेशा तो बता के जाता है, मैंने मॉल पे भी फोन किया था, वहां भी नहीं है, मोबाइल घर पे पड़ा है, और मैं तेरे साथ बात कर रहा हूं। मैंने हवा के परों पे लिखा है दीवाने दिल का फसाना। चल चल चल, पहले जो हड्डी तोड़ के नाश्ता बना ना वो मुंह में ठूस लो, बाद में नौटंकी नाचना। चल, क्या बेवकूफी लिखी है आपने बापू, हवा पे प्यार का संदेश लिखा है? अरे ऐसी बेकी बेकी शायरी लिखने वाले तो हवा में लटके रहते हैं पंखे जैसे। हाँ कोई असली हलचल मचानी हो तो गौरव का वहां होना बहुत जरूरी है। क्या हलचल? सरकार नाटक के अंत में पर्दे गिरने से बस कुछ ही देर पहले
नायक जानू और नायिका अनु का मिलन होने वाला है। सुन, ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, समझा? मालूम है, ये बुड्ढे बुड्ढियों का मेल है जो बच्चों को कराना है। पहले बड़े फैसला करते थे और बच्चों को मानना पड़ता था, लेकिन दुनिया बदल चुकी है प्यारे। अब बच्चे तय करेंगे और बड़े मानेंगे। तू पगला गया लगता है। हाँ, क्योंकि शिखा ने बताया, एक टीचर ने हाँ कह दी। बापू, शिखा ने यह भी कहा। बापू, बताऊं आपको? हाँ? उसने ये भी कहा कि मेरे दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। मतलब ऐसा उसने कहा। और फिर उसने पूछा कि प्यार का एक छोटा सा हिस्सा उसे भी मिल सकता है क्या। तो क्या मैं सच? छोटा हिस्सा नहीं, पूरा दिल दे दे। मिस्टर गौरव राणे, करेक्ट? यस, आई एम निर्मल कपूर। कम इन, कम इन। हाय, बैठो ना। सो आई गेस तुम समझ ही गए होगे, आई एम शिखाज डैड। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए टोक्यो जा रहा हूं। यहां आने से पहले शिखा से फोन पे बात हुई तो कहने लगी आप पहले यहां आ जाइए, बहुत जरूरी काम है। मैंने बहुत पूछा कि क्या काम है, लेकिन कुछ नहीं बोली। अनटिल आई केम हियर आई वॉज टोटली इन द डार्क। अब समझ में आया कि वो जरूरी काम तुम थे। Well, frankly, I'm impressed. Educated हो, successful businessman, अच्छा खानदान, और तुम्हें देखने के बाद तो मैं और भी ज्यादा impressed हो गया हूँ। You're a handsome devil. भाई अब और क्या तारीफ के पुल बांधूं? अपनी बेटी से ना करने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। थैंक यू डैडी। ओके ओके, बस देखो तुम्हारे इंतजार में मैं सुबह का नाश्ता करना ही भूल गया। चलो कुछ खाते हैं। चलो। तुम यहीं रुको, हम दोनों नाश्ता करने के बहाने एक दूसरे को जरा जान लें। कम। ओके। लगभग 20 साल हो गए। I hear your father is getting married. वैसे तुम चाहो तो अपने बापू की शादी करा सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फिर ये उम्मीद छोड़ दो कि शिखा पढ़ाई के बाद तुम्हारे पास वापस आएगी, मुझे उसे मना करना पड़ेगा, ये मेरी मर्जी है। और प्लीज ये बात हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा है, शिखा को भनक नहीं पड़नी चाहिए।
तुम्हें एक बाप की खुदगर्जी की इज्जत रखनी पड़ेगी। वजह साफ है, अगर शिखा को पता चल गया तो हो सकता है वो मेरे साथ जाने से इनकार कर दे। फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और मुझे तुम्हारे बापू से बात करनी पड़ेगी, और मुझे अनुराधा से भी बात करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि शिखा की शादी तोड़कर अनुराधा अपनी शादी के बारे में सोच भी सकती है। तुम्हें क्या लगता है, इन गंदे पानी के चह बच्चों के पास हम भटके ही क्यों? सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, फैसला तुम्हें करना है। किसकी खुशी ज्यादा प्यारी है तुम्हें, अपनी या अपने बापू की? भाई मेरे पास तो सिर्फ मेरी प्यारी इकलौती बेटी है, एंड आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर हर। डैडी, सिन्हा अंकल, सिंगापुर से। थैंक यू बेटा। हेलो सिन्हा, हेलो हेलो। क्या गुटरगुर चल रही थी ससुर दामाद में? कुछ नहीं। तो चेहरे की पत्ती क्यों खुल है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं जब भी खुश होता हूँ तो मेरा चेहरा ऐसा ही होता है। वाव, तुम दुनिया में पहले आदमी हो जिसका चेहरा खुशी से ऐसा होता है। मालूम है मैं जब खुश होती हूँ तो क्या करती हूँ? ओके। आप जरा आइए, मेरे पिताजी आपको बुला रहे हैं। जी एक्सक्यूज मी। हनी, तो आप सब लोग यहाँ हो, कोई सरप्राइज सीक्रेट पकड़ाया क्या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए नहीं, बात बड़ों की हो रही है रानी साहब। ये तो बच्चों से भी गए गुजरे हैं पापा, कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ रही है आपकी वजह से। वैसे तो आपका जाती मामला है, हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन रहा नहीं गया, हम सबकी समझ के बाहर है ये सब। आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है शादी का? बच्चों के सामने लोग ताने दे रहे हैं, कैसे बर्दाश्त करें हम? कुछ लिहाज नहीं आपको कि वो बड़े होने, उनके सामने आप यही मिसाल रखेंगे? देखे ना पापा, मुझे मुंडवा ली है, बाल काले करवा लिए हैं, बस नाक पे एक लाल बाल लगा लीजिए, पूरे जोकर लगेंगे। रूपाली एक मिनट मेरी बात सुनो। तो और क्या पापा, जरा ख्याल नहीं किया उन्होंने मेरी बेटी का, पता नहीं कहां से टपक पड़ी हो चुड़ैल, दो चार इशारे किए होंगे और ये बस लट्टू उसके पीछे। अरे 60 साल के बूढ़े में उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है, उसकी नजर तो आपकी जायदाद पर है, लेकिन इनकी आंखों पे तो गुलाबी चश्मा लगा है, दिखेगा कैसे? मैं मेरी बेटी का हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। इस उम्र में तो लोग सत्संग जाते हैं, हनीमून नहीं, इतना चिचोरापन अच्छा नहीं। आप हमें ऐसे बेइज्जत ना करें तो बेहतर है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? उसका पति होने से पहले तुम इस बाप के बेटे थे, ऐसा होने कैसे दिया तुमने? अरे मैं तो बच्चों के साथ था, मुझे क्या पता ये सब ऐसा नाटक करेगी। लेकिन मुझे पता है कि तेरी बीवी के मन में क्या डर उबल रहा है। बापू का नया रिश्ता है, इसका मतलब इन सब का एक और हिस्सा, बस इतना ही गलत चल रहा है उसके दिमाग में। उस डर को मारो गोली, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लिख के देने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन बापू की खुशियों के साथ कोई खिलवाड़ करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा, समझे तुम? गौरव प्लीज, मेरी वजह से आपस में जहर क्यों? हमें भी ये बात चुभती है, लेकिन उनकी नजरों में भी सच्चाई है। वो मां है एक बेटी की और मैं उसका दादा, एक ही धागे की माला, अलग कैसे निकलूं मैं? और अपनों की सुख शांति पे पानी डाल के मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? धुंधला सा बहाव था, बह गया, लेकिन मेरी ऐसी हरकत से कहां क्या शीशे टूटेंगे, ये मुझे सोचना चाहिए था। ये नहीं होगा। नहीं बापू, अब ये फैसला बदलेगा नहीं, कितनी मुश्किल से ये रिश्ता वापस जुड़ गया है, उसे तोड़िए मत। तू जो चाहे कह ले, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, और इस विषय में आज के बाद इस घर में कोई बात नहीं होगी। बापू, बापू,
राणे राणे क्या कर रहा है? सो रहा है कामचोर। मैंने जो सुना वो सच है क्या? कि तेरी पुरानी लाइन टूट गई, अब वो अधिकार मुझे दे दे, मैं उसका दूल्हा बनूंगा। मैंने जब पहली बार उसे देखा था ना, मुझे उससे इश्क हो गया था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि तू दोस्त है ना। अच्छा हुआ तू पीछे हट गया, तेरे से संभलती भी नहीं वो। अरे मछली जाल से गई तो क्या हुआ, है तो अपने ही तालाब में। जब कभी देखने का मन हो तो चले आना मेरे घर और फाटक से झांक कर वापस चले जाना, बस उतना ही। ये तो बकवास बंद कर। अरे तू समझा नहीं, मैं समझाता हूं। मैं तेरे बेटे को क्या मानता हूं, दोस्त का बेटा मतलब अपना बेटा, वैसे ही तू मेरी बीवी को क्या समझेगा, दोस्त की बीवी मतलब अपनी बहन। देख तेरा बड़ा लड़का और बहू मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, कतार में तू पहले था इसलिए तेरी इजाजत लेने चला आया। तुझे जो करना है कर। शुक्रिया, थैंक यू। साले साहब, पहले बच्चे का पहला मुंडन तेरी गोद में ही करूंगा। अन्नु कॉलेज जाएगी, मेरा भी ऑफिस है, बच्चे को हम तेरे यहाँ ही छोड़ कर जाएंगे। बिन माँ के बच्चे को पालना तुझे खूब आता है। अरे जान निकल यहाँ से, एक पल भी रुका ना जान ले लूंगा मैं। मैं तेरी व्यथा समझ सकता हूँ, मैं तुझे दोष नहीं दे रहा, लेकिन शादी का पहला कार्ड भगवान को नहीं, मैं तुझे चढ़ाने आऊंगा। ओके बाय। मैं जा रही हूँ। ऐसे अचानक क्यों, पहले बताया नहीं। दरअसल सोचा ऐसे ही चली जाओ किसी को कुछ बताए बगैर, फिर सोचा बाकी जो भी हो मुझे गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबू आप टीचर को धोखा कैसे दे सकते हैं, वो भी दो बार। बेटी मुझे समझने का। सच बोलो तुमसे, अब तो डर लगता है तुमसे भी, कहीं बापू की तरह तुमने भी प्यार को मजाक समझा तो। मुझे दूसरी टीचर बनके नहीं जीना है। आई एम सॉरी गौरव, आई कांट। अरे ये न्योता अपने लिए है या परदेशियों के लिए है? हिंदी काफी है क्यों साले साहब, हिंदी काफी है ना? अरे आपने तो बहुत शेरो शायरी लिखी है, एक ऐसा न्योता लिख दे पेन, पॉकेट फट जाए, कागज पर तो छपे ही छपे दिल पे भी छप जाए और लोग धनाधन शादी में आ जाए। अरे कहां गया, देखा देखा मैंने क्या कहा था, देख कैसे रूठा हुआ है। देख मैं तो खुद चाहता था कि तू मेरे साथ चले लड़की देखने, लेकिन ये और इसकी बीवी बड़बड़ाने लगे, पता नहीं ये चिराग है कि सुराग है। आज सुबह मिलने गया था उससे उसके घर, अन्नु के, अन्नु ने बहुत कहा कि ये देखने दिखाने के रिवाज की क्या जरूरत है, बस अब जल्दी से शादी हो जाए, बस इतना काफी है। अरे पीली साड़ी में क्या पटाखा लग रही थी। हाय हाय। वो इसलिए कि लोग चारों तरफ से बातें उछाल रहे हैं, वो राजी नहीं होगी तो क्या करेगी बेचारी, इसलिए वो बोली कि माथुर हो या और कोई भी, शादी तो होनी ही चाहिए बस। लिख लिया। अरे जल्दी करना इसके पहले कि उसका मन बदले, मैं सब निपटाना चाहता हूं इसीलिए घोड़े पे सवार हूं। हमने तो उसकी शादी के लिए ये देख साड़ियां भी खरीद ली, ये देख ये इसकी पसंद है, और ये देख ये उसकी बीवी की पसंद है, लेकिन जब तक तू अपनी पसंद नहीं बताएगा मैं अन्नू को साड़ी कैसे दूंगा। बताना तेरे को कौन सी अच्छी लगी, ये बताना बताना कौन सी जचेगी, मुझसे पूछे तो ये उस पर खूब फबेगी, सांवला रंग, भरी पूरी ऊंची कदकाठी, इस रेशमी साड़ी में परी लगेगी परी। अरे हटना। मैंने पहाड़ पर नदी किनारे एक हनीमून स्वीट बुक किया है,
एक हफ्ते के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए, और एक दिन भी हम लोग कमरे से बाहर नहीं निकलने वाले, पहाड़ और नदी का तेल लगाने। बोल कौन सी वाली रखूं? अच्छा चल आंख बंद करके एक पे हाथ रख दे। अरे छू के तो देख, ये देख, ये छू के देख। अरे हाथ, अरे ले जाए कचरा, निकल जाए यहां से, तेरी औकात नहीं है समझा? उसको अनु बुलाने का हक सिर्फ मुझे मुझे। चल निकल यहां से, मेरे घर से। कैसी बात कर रहे हैं आप शादी से पीछे हट गए इसलिए शादी की तैयारी की? अब आप कौन से हक की बात कर रहे हैं? देखो तू, तेरी बीवी, तेरे परिवार वाले सब बात नहीं मान, साले मेरे दिल की बात नहीं समझते, लेकिन मैं शादी करके रहूंगा, अपने पीछे नहीं हटूंगा। राणे तू बदल गया, तू होश में तो है? अब चाहे जो भी हो, आप अपना फैसला तो नहीं बदलोगे? कभी नहीं। तू शिखा को बुला ले, उसको बुला ले, इतना सा मुंह करके गई थी बेचारी, और मैं नहीं चाहता कि तू उसे खो दे। बुला ले उसे। मैं यही हूं बापू, कहीं नहीं गई। माफ करना दोस्त, तुम्हारे मुंह से हां निकलवाने के लिए हम सब ने मिलकर यह नाटक रचा था। कथा, पटकथा, संवाद, गौरव, नन्ही नटखट निर्देशिका, ये और मैं और चिराग कठपुतलिया। जरा देखिए ना प्लीज। अकल क्या घोड़े को चरा कर आया है तू? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी अनु किसी और के नाम का सिंदूर लगाएगी? वो सिंदूर तो दूर की बात, हमने तो उसे भनक तक नहीं लगने दी तेरे ना कहने की, कुछ कर गुजरती तो। और फिर यार तेरी लाइन काट के मैं अपनी लाइन जोड़ूंगा क्या? लानत है दोस्ती पर, क्या बोलते हैं? तो नेक काम में देरी क्यों? परसों ये छुटकी जा रही है, उसके पहले शादी निपटा देते हैं क्यों? मुझे माफ करना बाबू, मैं रूपाली की बातों में आ गया, लेकिन गौरव को देखकर मेरा हौसला बढ़ गया। अच्छा तो तमाशा बना के रखा है बाप बेटों ने मिलके मेरा। तुम घर जाओ, मैं वहां आके बात करूंगा। घर ही जा रही लेकिन मम्मी के और बच्चों को साथ में लेके। यहां सब सही हो रहा है, तुम बीच में मत बोलो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? मैं आऊंगी ना ससुर जी की शादी में सासू माँ को चूड़ियां पहनाने। रूपाली, सबके सब जाहिल कवार हैं। निकल यहां से, निकल। ऐसा क्यों किया तुमने? वही किया है जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, या तो उसकी अकल ठिकाने आएगी या मुझे ठिकाने लगाएगी। स्माइल प्लीज। गवाह कौन कौन है? हम लोग। आप यहां साइन कीजिए। बेटे की शादी में बाप समधी बनकर आता है, और बाप की शादी में बेटे क्या बनेंगे? तेरा और शिखा का पहले हो जाता तो। नहीं मेरे बाप, पहले आप। ओ मेरे बाप, क्या पहले आ। ना ना, ओ मेरे बाप, जाना पहले आ। जाना मेरा बाप। बताओ तुम्हें मैं भला कैसे करो, ना जिद ना करो ऐसे। बताओ तुम्हें मैं भला कैसे करो, ना जिद ना करो ऐसे। मान लो बाप, मान लो बाप, मान लो बाप, मान लो बाप। ओ मेरे बाप पहले आ, ओ मेरे बाप पहले आ। ओ बाप पहले तू यही मिले, मैं तो यह जब तक है ना,
घोड़ी पे चढ़ के जाऊंगा, सहरा भी सर पे सजाऊंगा, वादा है तुमसे वादा, दुल्हन भी साथ ले आऊंगा। घोड़ी पे चढ़ के जाऊंगा, सहरा भी सर पे सजाऊंगा, वादा है तुमसे वादा है, दुल्हन भी साथ ले आऊंगा। लेकिन मेरी बातों का तुम समझो पहला इशारा, लेकिन मेरी बातों का तुम समझो पहला इशारा, ऐसे ना करो किनारा, तुम समझो पहला इशारा, ऐसे ना करो किनारा। बताओ तुम्हें मैं भला कैसे करो ना जिद ना करो ऐसे, बताओ तुम्हें मैं भला कैसे करो ना जिद ना करो ऐसे, मान लो बा मान लो बा, ओ मेरे पास पहले आप आप आप, मेरे पास पहले आप। सब लोग कतार में खड़े हो जाओ, हैप्पी फोटो। चलिए चलिए जल्दी, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। बीवी की तलाश में आधी उम्र छूट गई मेरी, तुझे फ्लाइट की पड़ी है। लेकिन खैर, अब बाकी की जिंदगी मजेदार गुजरेगी। मतलब? मुझे भी लड़की मिल गई। लड़की ढूंढने जाता था, मिल जाती थी। वो थाने में साथ में इतना वक्त गुजारा कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। ये है मेरा पटाखा। सॉरी डैडी, थोड़ी देर हो गई। हम टीचर और बापू की शादी करा के आ रहे हैं। बापू कम, बापू ये है मेरी दादी और डैडी ये है गौरव के बापू। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। इसकी मम्मी को पता चलेगा तो हैरान रह जाएगी, नहीं अनुराधा? आप यहाँ इंतजार कर रहे हो, शिखा ने हमें कार में बताया तब पता चला। हम दोनों पहले दिल्ली जा रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट वहीं से है। अब हमें हमारे बच्चों के बारे में कुछ तय करना चाहिए। हाँ हाँ, सबसे जरूरी है इनके बारे में कुछ तय करना। लेकिन उससे पहले मुझे गौरव से कुछ बात करनी। गौरव प्लीज। So that was your decision. मेरी बेटी से ज्यादा तुम्हें अपने बापू से प्यार है, है ना? मुझे प्यार को तोलना नहीं आता कपूर साहब, बस इतना है कि बापू की खुशियों को खोकर मुझे अपने लिए कुछ नहीं पाना है। तुमने जो खोया है उसके तीखेपन का एहसास तुम्हें अभी नहीं, जिंदगी भर होता रहेगा। मैं कुछ खोने वाला नहीं, खोएंगे आप। वो देखा आपने? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन अमेरिका जाके जब उसे सब सच्चाई का पता चलेगा तब उसके चेहरे की हंसी आपको दिखाई नहीं देगी। वो जान जाएगी किसी ने में कितना दर्द छुपा कर बिना उसे कुछ बताए मैंने उसे यहां से जाने दिया, तब आपका रचाया ये सारा खेल उल्टा हो जाएगा। वो सीधी मेरे पास आ जाएगी। तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसा करने की इजाजत दूंगा? उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्यार सच्चा हो तो प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने है, मेरे बापू और टीचर। जो टीचर ने किया मैं वही करूंगा। जिंदगी भर अपनी शिका का इंतजार। मेरा प्यार, मेरा इंतजार अगर सच्चा होगा तो आप उसे सात समुंदर पार ले जाकर चाहे कितने भी तालों में बंद कर ले, वो आएगी जरूर। तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करती है, लेकिन उसे अपने डैडी से कितना प्यार है इस बात का एहसास है तुम्हें?
अंदाजा लगाना फिजूल बात है। अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए, सो मुझे है। पूरी जिंदगी पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो बताइए क्या तय किया आपने? मुझे बहुत अहम था इस बात का कि लगभग पूरी दुनिया है मेरे पास, लेकिन आज तुमसे बड़ी तेज जलन हो रही है मुझे, क्योंकि ऐसा बेटा नहीं है मेरे पास। पल भर की पहचान वाली लड़की के लिए अगर तुमने जन्म भर के बाप का दिल तोड़ दिया होता तो मुझे बड़ा तरस आता तुम पे। तुमने मेरे प्यार के मायनों को ही उलट पुलट कर दिया है। क्या कह रहे थे तुम, शिखा का जिंदगी भर इंतजार करोगे? मैं तुम्हें एक पल भी इंतजार नहीं करने दूंगा। ये तेरी है, ले जाए। करो ना जिद ना करो ऐसे, मान लो बात, मान लो बात, मान लो बात, मान लो बात। ओ मेरे बाप पहले आप, आप, आप मेरे बाप पहले आप। मेरी बीवी जब आएगी वो मुझको उड़ा ले जाएगी, मैं लाख उसे समझाऊंगा वो एक समझ ना पाएगी। इस उम्र में मुझसे ज्यादा साथी की तुम्हें है जरूरत, देखो जल्दी से मुहूर्त। बताओ तुम्हें मैं भला कैसे, करो ना जिद ना करो ऐसे, बताओ तुम्हें मैं भला कैसे, करो ना जिद ना करो ऐसे। मान लो बात, मान लो बात, मान लो बात।